आज के इस वेबिनार कम वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो विषय है सामगान संस्कृति एवं ध्रुपद के अंतर संबंध, ये विषय थोड़ा सा असामान्य है जो कि सामान्य रूप से चर्चा में नहीं आता और विशेष रूप से उन लोगों में चर्चा में ये नहीं आते ऐसे विषय जहां पर दो विभिन्न विषयों को आपको मिलाना होता है। अपने अपने विषय में अपने अपने सब्जेक्ट में हम सभी माहिर होते हैं और उसकी अत्यधिक जानकारी रखते हैं, लेकिन जब हमें दूसरे विषयों के साथ बातचीत करनी होती है तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी बातचीत दूसरे के साथ साझा कैसे करें। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा विषय फैले भी, दूसरे उसको एक्सेप्ट भी करें। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में जो कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जो उसमें कहा गया है, उसके अनुकूल इस तरह के विषय बहुत सुसंगत बैठते हैं। ये जो विषय है इसमें दो विभाग, संगीत विभाग और संस्कृत विभाग, मुख्य रूप से आपस में जुड़ने कर एक संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। संगीत जो है वो सामान्य रूप से अभ्यास की बात है, उसमें कलाकारी है, उसमें एक अपनी तरह का विज्ञान भी है, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब विषय आता है कि इस सारे के दर्शन क्या है, तो वहां पर एक बड़ी कठिनाई मुझे देखने में आई और वहां पे चर्चा करने में कठिनाई होती है। संगीत हम सिखा रहे हैं, लेकिन सिखाने के साथ हमारी समझ क्या बन रही है, उसकी सघनता और उसकी जो संवेदनशीलता है, उसके स्पंदनों को हम कितना परिभाषित कर पाते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह होता है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के दिन में संगीत को जो कुछ हम संगीत के नाम पे सिखा रहे हैं वो एक शैली, एक स्ट्रक्चर के ऊपर उसका बहुत अधिक जोर चला गया है। वो संस्कृति के जो दार्शनिक पक्ष हैं, जो हमारे बीच थे, उनको कहीं वो छूता नहीं है, जितना कि मैं सिलेबसिस को देखा है या वैसे चर्चा करने के दौरान बात आया। तो आज ये हमारे पास एक मौका है कि हम संगीत और संस्कृत के अंतर संबंधों को टटोलने का प्रयास भी करें, ऐतिहासिक दृष्टि से भी कोशिश करें और इस दृष्टि से भी प्रयास करें कि वो दार्शनिक जो धारा चली आ रही है, सांस्कृतिक धारा जो चली आ रही है और आज तक किसी न किसी रूप में वो हमारे पास विद्यमान है, हालांकि ऊपर के स्ट्रक्चर बहुत बदल गए हैं, ऊपर की शैलियां बहुत बदल गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोज, वो बीज, वो बिंदु कहीं ना कहीं वो अभी भी हमारे पास विद्यमान है। दूसरी तरफ संस्कृत वालों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। वो चर्चा तो करेंगे कि देखो शास्त्र में ये भी लिखा है, इस तरह का नाट्य शास्त्र में ये लिख दिया गया है, उस शास्त्र में संगीत शास्त्र में ये लिख दिया गया है, लेकिन अगर उनको कहें कि हम इनको अप्रिशिएट कैसे करें और संगीत वालों के साथ चर्चा कैसे करें, बातचीत कैसे हो, तो उनके लिए भी अपने आप में एक कठिनाई रहती है। तो इस कठिनाई को आप लोग ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से कि ये विषय कुछ ऐसा है जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसके पीछे पूरा का पूरा एक इतिहास है, तो उसको समझने में हम श्रोताओं के ऊपर, श्रोताओं का एक दायित्व है कि वो अपने धैर्य से और खुले मन से इस सारे विषय को देखने, सोचने और समझने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सारी शब्दावली से परिचित होंगे भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी शब्दावली भी होगी जो जिससे आप परिचित नहीं भी होंगे। और वेबिनार या वर्कशॉप करने का उद्देश्य भी ये होता है कि जितना हम जानते हैं उससे अधिक जानने के लिए हम विद्वानों की शरण में जाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और उनके सामने प्रणाम पूर्वक ये निवेदन करते हैं कि वो इस विषय के उन पक्षों से हमें परिचित करवाएं और हमारी ज्ञान दृष्टि जो है उसको व्यापक करें जिससे हम परिचित नहीं हैं। हम जितना जानते हैं उससे अधिक जानना, उसका अधिक से अधिक विस्तार करना, उसकी सूक्ष्मता को जानना,
यही कारण है जिस वजह से आज हमने दो विद्वानों को, संवेदनशील विद्वानों को, सहृदय विद्वानों को, संवेदनशील शब्द भी उचित मुझे नहीं लगता, सहृदय विद्वानों को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है, प्रोफेसर डॉक्टर पंकज माला जी को और पंडित देवेंद्र वर्मा बजरंग जी को। इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर मधु शर्मा जी, उनको मैं स्वागत वचन के लिए आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ, दो तीन स्लाइड्स और शेयर करना चाहूंगा। सामवेद को सामान्य रूप से, वेदों को हम सामान्य रूप से पुस्तक के रूप में जानते हैं, लेकिन वेद शब्द का अपना अर्थ कभी भी पुस्तक नहीं है, वो जानने के अर्थ में है, टू नो। ये इंस्टिंक्ट भारतीयता को, ये मूल भावना जो है वो हमें परिभाषित करती है, टू नो, जानना। तो वेद उस अर्थ में ज्ञान के उस पक्ष को जहां पर निरंतर जानने की जिज्ञासा बनी हुई है, वो वेद है। और उनमें से एक पक्ष जो सामवेद, जिसे हम जानते हैं चार वेदों में से एक वेद, वहां पर गाने के माध्यम से, गान के माध्यम से हम क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे उस जानने को अभिव्यक्त करते हैं, ये सारे का सारा पक्ष हम इस साम गान के रूप में, इस विषय के विस्तार में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अब आप ये देखिए कि गीता जैसे विषय, गीता जैसे ग्रंथ जो हैं, उसमें श्री कृष्ण अपने आप को वेदानाम सामवेदोऽस्मि कहते हैं, कितना अधिक महत्व देते हैं, न ऋग्वेद को दे रहे हैं, न अथर्ववेद को दे रहे हैं, लेकिन साम वेद को दे रहे हैं। तो ये साम आखिर है क्या? और साथ ही साथ अगर जब आप बृहद देवता जैसे ग्रंथों को देखने लगते हैं, सामान्य रूप से संगीत के लोगों ने नहीं देखा होगा, यो वेत्ति सामानि स वेत्ति तत्वम्, जो साम को जानता है वो तत्व को जान लेता है। तो ये कौन सा तत्व है जिसे हम आज ध्रुपद और साम गान के बीच में तलाशने की कोशिश करेंगे और विद्वान हमारा दिशा निर्देश करेंगे। वेबिनार करने का एक और बड़ा लक्ष्य होता है, विशेष रूप से मेरा, मेरे लिए तो ये मुख्य बात है। आप स्क्रीन के ऊपर दो होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, एक है गुणी और एक है गुणज्ञ। सभी संगीतकार गुणी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर व्यक्ति गुणी होता है, लेकिन गुणों को जानने वाला वो कहाँ है? गुणों की प्रशंसा, गुणज्ञ का मतलब ये नहीं कि जो केवल गुणी की प्रशंसा कर दे, वाह वाह कर दे, सचमुच उस गुण को जानने वाला वो कौन होता है, वो क्वालिफाई कैसे करता है और वो उसका रूप क्या होता है। मेरी रुचि उस गुणज्ञ होने में है कि मैं कम से कम उन गुणों, उस गुण को जानने वाला बनूं। गुण हो ना हो, लेकिन गुणों को जानने समझने वाला व्यक्ति बने, ये मुझे लगता है समाज की इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है। और संगीत में, संगीत विभाग में ये दूसरा पक्ष जो है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसके क्या क्वालिफायर्स हैं, क्या पता होना चाहिए, कौन सी संवेदनशीलता होनी चाहिए, कौन सी सहृदयता, कौन सा शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, तो उन विषयों को ध्यान में रखते हुए ये हम से वेबिनार, ये सेमिनार, ये नए नए जिज्ञासाएं हम रखते हैं। अब सामगाम जो है, जिसके विषय में मैडम चर्चा विशेष रूप से करेंगे और उनके ये विषय भी सिद्ध हस्तता का रहा है, उसके कुछ एक शब्दों से आप परिचित पहले हो लें कि सामगान के दौरान जो है उदात्त अनुदात स्वरित आठ प्रकार की पाठ विधियां, जिसमें जटा पाठ, वाक्य पाठ, घन पाठ आदि आदि कई तरह से है, जो आपको ध्रुपद के साथ जब उसकी तुलना करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों में बहुत अधिक समानता सी है। और हो सकता है कि कहीं वो वही पाठ विधियां जो हैं वो आकर के ध्रुपद में अभिव्यक्त होती हैं। फिर उनकी गायन शैली, शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि वर्णों का उच्चारण कैसे करना है। छंद जो है वो सात मुख्य छंद जो हैं वैदिक छंद, वो किस तरह से उच्चारित किए जाते थे, जो कि आगे चल करके 11 भागों में विभाजित हो जाते हैं, 11 छंद बन जाते हैं। और सांत की जो पंच भक्तियां हैं, हमें सामान्य रूप से हम ये समझ लेते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन उसमें जो जिस रूप में, जिस प्रकार से हमें सा और म के बीच के संबंधों को देखने को मिलता है,
ये सारे हमें स्वर देखने को मिलते हैं और उनकी नंबरिंग की जाती है आदि आदि, उन सबको भी हमने देखना है। और एक जो विशेष रूप से आपको और मुझे देख जानना होगा कि ध्वनि और वर्ण के संबंधों को ध्रुपद और साम में किस तरह से देखा गया है, और ध्रुपद के कौन से खंड हैं जिसके ऊपर पंडित जी विशेष रूप से चर्चा हमारे साथ करेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी समझ लें कि ये जो सामगान है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें से ग्रामगान आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मुझे उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है, आरण्यक गान, ऊर्ध्व गान और उम्म गान जिसे रहस्य गान कहते हैं। और मुझे कई बार यही लगा ध्रुपद को सुनते सुनते कि वो उम्म गान के साथ ज्यादा संबंधित है, क्योंकि जिस तरह की वहां पर कलाकारी देखने को मिलती है, जिस तरह से ध्वनि और वर्णों का आगे पीछे वो समावेश करते हैं संयोग, आप में उम गान की ओर मुझे लगता है कि उधर चला जाता है। लेकिन इस पे तो टिप्पणी और इसके ऊपर जो विचार हैं वो हमारे आज के मुख्य वक्ता करेंगे। कुछ गंभीर बात और भी मैं आप लोगों के साथ कर लेना चाहता हूं इससे पहले कि मैं डॉक्टर मधु जी को आमंत्रित करूं, मुख्य वक्ताओं को आमंत्रित करने के लिए, कि साम के तीन पक्ष हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका मन सही नहीं है और तो वाक आपकी सही नहीं होगी, वाक अगर सही नहीं तो प्राण सही नहीं है, और प्राण अगर सही नहीं तो मन सही नहीं, तो साम में नहीं आ सकते। साम एक तरह का बैलेंस है, एक सम्यकता है साम में। तो इसलिए इन तीन शब्दों को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, और जब आप अभ्यास करें संगीत का भी तो वहां पे प्राण मन और वाक मुझे लगता है कि ये सिखाया ही जाता होगा। और इसका जो विशेष रूप से एक दार्शनिक पक्ष है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है वो है अग्नि, सोम और साम की। वेदों में ये कई बार कहा गया है कि अग्नि सोमात्मकम् जगत्, कि ये सारा संसार अग्नि और सोम के संबंध से बना हुआ है, और वो संबंध क्या है, वो साम का संबंध है कि एक तरफ अग्नि है एक तरफ सोम है, दोनों के बीच को जो संबंध परिभाषित करता है वो साम जो है वो उस संबंध को परिभाषित करता है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा दार्शनिक और गूढ़ विषय हो जाएगा, वो वक्ता अपने वक्तव्य में लेना चाहें तो वो उनकी अपनी इच्छा है, नहीं तो मेरी रुचि कुछ इस तरह की भी है जो मैं बाद में भी चर्चा में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। नीचे जो मैंने वो 11 नाम आप लोगों की जानकारी के लिए दिए हैं जिन्हें हम पाठ कहते हैं, कि जब वेदों में मंत्रों का पाठ किया जाता है तो पाठ करने के ये अलग अलग विधियां हैं जिन्हें वाक्य पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा आदि आदि ये सारे हैं। और उसकी जब आप ध्रुपद के साथ तुलना करने लगते हैं तो आपको बड़ी अद्भुत सी दोनों में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। तो ये कुल मिलाकर के मैं आप लोगों के सामने एक पक्ष रखना चाहता था एक भूमिका के रूप में, कि इतना हम जानते हैं, इससे अधिक जानने के लिए आज हमने विद्वानों को और आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। और जैसे जैसे और भी जितनी भी प्रश्नों को हम बीच में लेंगे वक्तव्य के बाद, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्ताओं का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मधु शर्मा जी को, जो कि अध्यक्षा हैं संगीत विभाग की। उन्हें मैं निवेदन करता हूं कि वो आज के दोनों मुख्य वक्ताओं का परिचय भी कराएं, स्वागत भी करें, और जितने हमारे साथ उपस्थित श्रोता हैं उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद सर। मुझे बहुत ही आज हर्ष अनुभव हो रहा है कि जो आज का हमारा सेमिनार का विषय है वो एक तरह से ज्ञानवर्धक तो है ही, और संगीत के विद्यार्थियों के लिए ये रोचक भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आज हम साम गान के बारे में हम पढ़ते रहे हैं और ध्रुपद के बारे में भी हम पढ़ते रहे हैं और गाते भी हैं बच्चे ध्रुपद, आज हम सामगान और ध्रुपद ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके बारे में हम अपने विद्वानों से जानेंगे। सर का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक कार्यभार दिया है स्वागत करने का। तो पूरे संगीत विभाग की ओर से, डॉक्टर परमजीत कौर की ओर से,
हमारे प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह की ओर से, पूरे सनातन धर्म परिवार की ओर से, मैं सभी विद्वानों का और जो हमारे संगीतज्ञ और टीचर्स और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का हृदय तल से स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही जो आज हमारे दो विद्वान हैं, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनका भी मैं परिचय देना चाहूंगी। हमारे आज के पहले वक्ता हैं प्रोफेसर पंकज माला शर्मा। प्रोफेसर इन जो हमारे दो वक्ता हैं, इनके विषय में अगर मैं कहना शुरू करूंगी, इनके विषय में अगर बताना शुरू करूंगी, तो मुझे लगता है कि आज का जो वेबिनार का पूरा समय है वो इसी में ही चला जाएगा। तो जैसा मुझे सर का आदेश है कि मुझे गागर में सागर भरनी है, एक संक्षेप में सभी को परिचित करवाना है, वैसे ये दोनों ही जो हस्तियां हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। सभी लोग इनके नाम से, इनके काम से पूरी तरह से वाकिफ हैं। सूर्य को दिया दिखाने वाला काम मैं शायद करूंगी। अब पहली हमारी वक्ता हैं प्रोफेसर पंकज माला शर्मा, जो कि संगीत विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यक्षा के पद पर रही हैं, साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ डीन एंड फाइन आर्ट्स में भी, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स में भी डीन रही हैं। संगीत गायन और वादन दोनों में मैडम निपुण हैं, साथ ही वेद की भी ज्ञाता हैं। तो आज का जो हमारा पैनल है बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है आशुतोष सर के साथ बात करके, और मैडम ने कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो संगोष्ठी हैं उसमें अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, और इनके अंतर्गत अभी भी कई शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे जो दूसरे वक्ता हैं पंडित देवेंद्र वर्मा ब्रजरंग, ब्रजरंग पंडित जी का उपनाम है। ये प्रसिद्ध संगीत वाद्यकार हैं, संगीत राष्ट्रीय परिवार के संस्थापक भी हैं। पंडित जी जो मुख्य रूप से जो मैं सर को जानती हूँ, पंडित जी को जो मतलब जिस चीज को लेकर मैं अट्रैक्ट होती हूँ, सर बंदिशें जो हैं इनकी, बंदिशें और परन जो है वो भक्तिमय रूप से किस तरह से इन्होंने भक्ति और संगीत को जोड़ दिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और पंडित जी का जो राष्ट्रीय संगीत परिवार करके एक संगठन पंडित जी ने बनाया है, उसमें पूरे देश और विदेश से जितने भी भारतीय संगीत के श्रोता हैं और संगीतज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनको पंडित जी ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और पंडित जी आज भी लाखों शिष्य अपने अंतर्गत तैयार कर रहे हैं, और आशा है आगे भी हमें वो इस तरह से मार्गदर्शन देते रहेंगे। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूरे सनातन परिवार की ओर से, आशुतोष सर की तरफ से, परमजीत मैम की तरफ से, हमारे प्राचार्य की तरफ से और हमारे विद्यार्थियों की तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, दोनों ही विद्वानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं आशुतोष सर को मंच देना चाहूंगी कार्यक्रम के अगले संचालन के लिए। धन्यवाद मैम, आपने बड़े अच्छे तरीके से और व्यापक रूप में हमारे सामने आज के मुख्य वक्ताओं का परिचय कराया है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर पंकज माला शर्मा जी, जो फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो उनको प्रणाम पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के विषय को इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करें कि जिससे हमारे बहुत सारे जो बीच में ऐतिहासिक कालक्रम में बहुत सारे जो लुप्त तो हो गई हैं बातें, वो भी बीच में आ जाएं, और दूसरा हमारी जो समझ है वो काम और ध्रुपद इनके संबंधों को भी वो स्पष्ट करे। क्योंकि सुनकर तो लगता है कि कुछ है आपस में जुड़ाव, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो हालांकि परंपरागत रूप में जो होता है, त्रि संविधाएं लेकर के हम अपने विद्वानों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं,
और फिर उनको प्रणाम पूर्वक उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन आज ये आधुनिकता का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो यहाँ से आप मेरा जो है वो प्रणाम स्वीकार करें और आज का वक्तव्य जो है वो आप आरंभ करें। मैडम धन्यवाद आशुतोष जी। एम आई ऑडिबल? जी जी मैम बिल्कुल। ओके। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तत्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मेरे पूर्व आचार्य, अधुना आचार्य और आज इस आयोजन के प्रमुख प्रोफेसर राजेंद्र जी, संयोजक और सूत्रधार डॉक्टर आशुतोष जी, मैडम मधु जी और आज के विद्वान मेरे पूज्य डॉक्टर पंडित देवेंद्र वर्मा जी और इस विभाग के सभी सदस्य, सभी जुड़े हुए व्यक्ति, विद्यार्थी, शोधार्थी और अध्यापक वृंद, आज जो जिम्मेवारी आशुतोष जी ने मेरे कंधों पर डाली है, मैं कोशिश करूंगी उसका निर्वाह मैं कर सकूं, क्योंकि मैं अपने को धन्य मानती हूं। पंजाब विश्वविद्यालय में मुझे जिन गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, प्रोफेसर चौबे और आशुतोष जी के पिताजी, मैं बहुत श्रद्धा से नाम लेती हूँ उनका, पंडित रमाकांत जी अंगिरस, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वही शायद अगर कुछ अच्छा होगा तो ये उन्हीं गुरुजनों की देन है, उन्हीं का ही आशीर्वाद मैं समझती हूँ। जब शाम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान उस सुदूर वैदिक काल के उस साहित्य की ओर जाता है, जो साहित्य तो है लेकिन वो ऐसा साहित्य है जो गेय भी है और ज्ञान भी है जिसमें। तो वो ऋषियों की जो सोच है मंत्र के रूप में प्रस्फुटित हुई, इसीलिए मननात मंत्र, जो उनके मनन से, जो उनके तप के बल पे पैदा हुआ, उद्भूत हुआ, तो उसे वेद कहा और ये ज्ञान का वाचक है शब्द। इसी के तीन रूप पद्य, गद्य और सांग, ये सब परिचित हैं। पद्यात्मक रूप ऋका है, ऋचाएं हैं, गद्यात्मक रूप यजुष हैं और गानात्मक रूप सांग है, ये तो सब परिचित हैं। लेकिन जिस बात को आशुतोष जी ने छेड़ा है मैं उस तरफ जाना चाहूंगी। ये सब छंद हैं। छंद मतलब कि जिनमें एक पद व्यवस्था है, एक पाद व्यवस्था है और एक विशेषता ये है कि इनमें उच्चारण व्यवस्था है। वेद के उच्चारण में और मंत्र या श्लोक के उच्चारण में यही फर्क है कि मंत्र का उच्चारण जो वेद नाम से होता है वो सस्वर है, उसमें उद्दात, अनुदात, स्वरित, प्रचित, इन स्वरों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और ये स्वर जो है ये बलाघात के भी कहलाते हैं और स्वराघात के भी कहलाते हैं। तो ये स्वर जहां एक तरफ पद का अर्थ निर्णय करते हैं, दूसरी तरफ उसका स्वराघात, उसकी पिच को भी बताते हैं। तो ये दोनों तरह के, हम फोनेटिक्स में इसको हम पढ़ें तो ये स्ट्रेस एक्सेंट भी हैं और पिच एक्सेंट भी हैं। इसलिए जब हम एक पद कहते हैं, जो छंदोबद्ध रचना है, जैसा कि बताया कि वैदिक छंद सात है संख्या में, उन्हीं के प्रारूप आगे और प्रतिरूप, उपरूप और भी प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से सात ही कहे जाते हैं, जो 24 मात्रा से लेकर के चार चार उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 48 मात्रा तक जगती, पहला गायत्री 24 का है तो अंतिम जगती 48 मात्रा का छंद है। तो इनके चार चार के बढ़ने में, इसमें पंक्ति भी है जिसमें
तीस भी हैं, पांच चारों पद जो हैं वो पांच पांच के भी हैं, इस तरह से आठ आठ के भी हैं। तो ये इस तरह से जो उनका उच्चारण है, तो उसमें पद जो हम उच्चारण करते हैं तीन तरह का उच्चारण है। एक तो वर्ण का उच्चारण करना, क्योंकि स्वर है, हर वर्ण पे स्वर लगा हुआ है, और जो पद है उसका उच्चारण करना, फिर उस पद से जो पाद बनता है, एक एक पूरा एक सेंटेंस टाइप जिसको हम कहते हैं, एक चरण बनता है जिसमें, तो ये तीन तरह के उच्चारण स्थान बनेंगे, एक वर्ण, एक पद और एक पाद। तो जब वर्ण एक के साथ दूसरा मिलता है तो ये संगीत रूप में उच्चारित होता है। जैसे हम कोई शब्द कहते हैं मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा, तो अब ये क्या है, इसमें विसर्ग भी है, कुचरा गिरी स्था, ऐसे हम खोल के अगर विश्लेषण करेंगे तो ये उसके पद बनेंगे वर्णों के। तो इनको जब हम संहिता रूप में कहते हैं, तो कई बार जिनको तो जिन्होंने साक्षात्कार किया था उनको तो मालूम था, लेकिन उसके बाद के ऋषियों को ये संहिता रूप में क्या हुआ, ते अवरे भ्यो उपदेशीन मंत्रान संप्रादु। तो उन ऋषियों ने जिन्होंने असाक्षात्कार कृत जो थे, जिन्होंने साक्षात्कार स्वयं नहीं किया था मंत्रों का, तो उनको उपदेश के द्वारा मंत्रों के ज्ञान की जो है वो परंपरा चली। तो इस परंपरा में जो मुझे विशेष रूप से यहाँ कहना है कि दो तरह की संहिताएं जो है वो दिखाई देती हैं। एक तो संहिता को कहते हैं हम प्रत्यक्ष संहिता, एक होती है परोक्ष संहिता। ये नया शब्द है आशुतोष जी, ये आम समाज में प्रचलित नहीं है, जैसा कि आपने कहा था कि कुछ नए शब्द आएंगे। ये प्रत्यक्ष संहिता ये है कि जो मंत्र हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे वो लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए में उसका पद भी दिखता है, उसका पाद में विराम भी दिखता है, उसके चरण दिखते हैं चारों। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसको कहते हैं परोक्ष संहिता। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें उसका स्वर सन्निहित होता है, तो स्वर होने से कई बार वो लंदन भी होता है, कई बार वो शॉर्ट भी होता है, कई बार संधि भी हो जाती है, कई बार विश्लेष भी होता है, कई बार गान साम गान में तो किन्हीं शब्दों का विकर्षण उसको खींचते भी हैं और कई शब्दों को हम दोहराते भी हैं। तो इस तरह से ये सारी संहिता उस समय स्पष्ट होती है जब हम उसका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, चाहे वो ऋग्वेद है, चाहे वो सामवेद है, चाहे वो यजुर्वेद है। तो चारों वेदों का जो उच्चारण है वो उसकी प्रत्यक्ष संहिता तो हमें दिखाई देती है पुस्तक के रूप में, लेकिन परोक्ष संहिता वो है जो उसके उच्चारण से स्पष्ट होती है, जिसका संबंध परवर्ती जो गान है या परवर्ती संगीत है उन पे स्पष्ट दिखाई देता है, अगर हम इसको विचार करके चलते हैं। तो उसमें दो चीजें हैं कि एक तो पाठ शब्द आता है, पाठ का जो है वो कई तरह के पाठ चले। एक तो है कि संहिता का वैसे ही पाठ कर लेना, तो उसको हम संहिता पाठ कहते हैं, लेकिन जब उन पदों को अलग अलग करके समझाया जाता है तब वो पद पाठ कहलाता है, कि एक एक पद का पाठ करते हुए उसको स्पष्ट करना, तो ये कहलाता है पद पाठ। और तीसरा एक पाठ और होता है जिसको हम कहते हैं उसका ये संहिता और पद पाठ और वर्ण ये तो कहलाते हैं प्रकृति, मतलब ये पाठ करने की प्रकृति है। और उन पाठों को उस क्रम को याद किया जाए, मंत्र कहीं भूले ना, कहीं उनका स्वर विच्छिन्न ना हो पाए, कहीं वो अपने स्वर से अलग ना हो जाए, क्योंकि मंत्र स्वर भेद है ना, अर्थ भेदा, स्वर के भेद से अर्थ भेद हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, इसलिए कालांतर में और पाठ भी प्रचलित हुए। तो वो आठ तरह के पाठ जो हैं वो विकृति पाठ कहलाते हैं, और ये तीन तरह के पाठ जो हैं संहिता पाठ है, पद पाठ है, ये जो है ये कहलाते हैं, ये प्रकृति पाठ कहलाते हैं, कि मूल रूप में तो यही प्रकृति है, शब्द की प्रकृति समझने के लिए, मंत्र की प्रकृति समझने के लिए तो इनका ज्ञान जरूरी है, लेकिन मंत्रों को याद करने के लिए, मंत्रों को उच्चारण करने के लिए, उनका वेरिएशन, उनकी रोचकता, उनकी जटिलता जो हमें देखने में आती है, तो वो जो है वो हमारे पास आठ पाठ है, मैं उनकी चर्चा अवश्य करूंगी। उनमें एक है क्रम पाठ। क्रम पाठ का मतलब होता है कि हम
पहला पद कह रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा कहते हैं, तीसरा कहने से पहले फिर दूसरा पद कहा जाता है, और फिर आगे का मतलब एक क्रम है, वापिस वापिस आता है, एक दो तीन दो चार, इस तरह से आगे आगे जाता है। तो ये क्रम जो पाठ है ये हमें भरत के नाट्य शास्त्र में अलंकार के रूप में दिखाई देता है, इसको क्रम रेचित अलंकार के नाम से भी भरत ने कहा है। तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं संगीत की भाषा में बात करूं, अगर मैं वेद की भाषा में बात करूंगी तो जैसे आएगा प्रजन्याय प्रगायत, तो इसमें क्या करेगा, प्रजन्याय प्रगायत प्रगायत दिवापुत्रस्य दिवापुत्रस्य मारुति, तो इस तरह से ये आगे आगे एक एक शब्द जो है वो आगे आगे लेता जाएगा, पुराना एक एक पद छोड़ता जाएगा। इस तरह से अगर हम ये क्रम रेचित अलंकार से इसको समझना चाहें तो क्या बनेगा, सारे रेगा गामा मापा पाधा धानी नीसा, तो ये क्रम से क्रम रेचित होगा, और ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है आज भी हमारे संगीत में। ध्रुपद में तो है ही है, ध्रुपद में तो वो पद के साथ है, लेकिन स्वरों के साथ अभ्यास जो है ख्याल में भी पाया जाता है, यही क्रम अलंकार कहलाता है। इसका नाम शारंगदेव ने भी क्रम रेचित ही इसको कहा है। इसी तरह से दूसरा पाठ वो कहलाता है जटापाठ। जटापाठ जो है जैसे ये दो पदों को लेकर के क्रम पाठ बनता है, लेकिन जब हम तीन या चार पदों को इस तरह से क्रम कहते हैं तो वो जटापाठ कहलाता है। जैसे एक दो तीन चार, तीन चार पांच, इस तरह से जैसे अपनी भाषा में संगीत की भाषा में हम कहेंगे तो सारे गा रे गा मा गा मा पा, ये क्या बन जाएगा, ये जटापाठ के रूप है। और जटापाठ के भी जिसको बाद में खंड मेरु के नाम से द्रौपदियों ने कहा और ख्याल में भी प्रयोग होता है, तो वो जो जटापाठ है उसके आगे पांच भेद बनते हैं कि इन स्वरों के तीन या चार स्वरों के अवगुंठन को किस तरह से कहना है। ध्यान में रखना है कि वेद के साथ संहिता है, मंत्र का पद भी है, शब्द भी है और स्वर भी है, दोनों है, लेकिन जो मैं जो बात कर रही हूँ समझाने के मकसद से वो सिर्फ स्वर की दृष्टि से मैं आपको उसका उदाहरण पेश कर रही हूँ, लेकिन मंत्र का अगर मैं उच्चारण करती हूँ तो उसमें स्वर और पद दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, अनुक्रम एक एक का क्रम करना, उत्क्रम एक को क्रम जो है वो लांघ करके चला जाए, प्रत्युत्क्रम उल्टा होना, व्यतुत्क्रम होना, और इसी तरह से संक्रम समान रूप से उसका संक्रमण होते रहे। तो इस तरह के पांच भेद जटापाठ के हमें दिखाई देते हैं उसमें संहिताओं में। फिर तीसरा है माला पाठ। माला पाठ के भी आगे दो भेद हैं, पुष्पमाला और क्रममाला। तो जैसे एक हार बनाया जाता है पुष्प गूंथ गूंथ करके, उसी तरह से एक माला तैयार की जाती है उन स्वरों के शब्दों के अवगुंठन की। और क्रम पाठ जो है वो क्रम रेचित की तरह उस माला को जब कहते हैं तो ये क्रम पाठ कहलाता है। फिर आगे आता है शिखा पाठ। जब एक स्थान पर उसको एक स्थायित्व देते हैं तो उसको, क्योंकि शिखा जो है वो मूल कहलाता है, तो उसको शिखा पाठ कहा है। इसी तरह से रेखा पाठ। रेखा पाठ मतलब जब हम एक एक पर्व का एक एक उसको विराम विराम करके पढ़ते हैं तो वो रेखा पाठ कहलाता है। इसी उसको दंड पाठ, एक ऐसा ही एक दंड पाठ भी होता है। उससे पहले एक ध्वज पाठ होता है, तो जैसे पताका जिसको हम कहते हैं, ये डांस वालों में भी आता है कि पताका का एक चिन्ह बनता है, तो वो पाठ वो पताका नाम से जाना जाता है। फिर एक रथ पाठ कहलाता है, और सबसे कठिन जो है वो कहलाता है घन पाठ, जिसको आज की भाषा में ध्रुपद की भाषा में अगर हम कहें तो जो संचारी में जिस तरह के हम अलंकार कहते हैं, चाहे नोम तोम के आलाप में जो संचार का जो सारा कार्य है वो ये घन पाठ से ही प्रेरित है, प्रभावित है। तो इस तरह ये आठ तो है विकृति पाठ, और तीन जो मैंने पहले बताए थे वो है प्रकृति पाठ। तो इस तरह सब संहिताओं का, चाहे वो ऋग्वेद है, चाहे वो यजुर्वेद है, चाहे वो सामवेद है, चाहे वो अथर्ववेद है, तो इनके ये सारे पाठ जो हैं ये पढ़े जाते थे और उनका अभ्यास किया जाता था और कंठस्थ किया जाता था, ताकि किसी भी मंत्र का कोई भी स्वर या कोई भी वर्ण जो है वो अनुच्चारित ना रह जाए और विस्वर ना हो, उसका स्वर जो है वो सटीक वही का वही रहे। तो ये बहुत ही एक कष्ट साध्य और श्रम साध्य
अब प्रक्रिया थी धीरे धीरे जो लुप्त होती जा रही है, दक्षिण भारत में कहीं कहीं दिखाई देती है। मैंने इन सब आर्टों को सुना है और कुछ कुछ अभ्यास भी करने का प्रयास किया है। जब कभी स्वतंत्र इन पे चर्चा होगी तो अवश्य उनका उद्घोष होगा। तो ये सब अभी धीरे धीरे ये लुप्त होते चले जा रहे हैं आम समाज से। अब दूसरी चीज ये है कि इन सब पाठों का एक अपना महत्व है, लेकिन इसके साथ जब हम इनको गान में लाते हैं तो ये पाठ की टेक्निकलिटीज जो हैं, जो पाठ के जो इस परोक्ष संगीता के जो गुण हैं, जो इसके लक्षण हैं, वो जो परोक्ष संगीता गान की है, गान की भी परोक्ष संगीता है, तो उसमें जो, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो वो सिर्फ ऋचा दिखाई देगी और परोक्ष में क्या होगा, उसमें उसमें सारे स्वर भी होंगे, उसमें विकर्षण भी होंगे, विश्लेषण भी होंगे, किसी का अभ्यास भी होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मंत्र है अग्नाया ही वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बर्हिषी, अग्नि की स्तुति का मंत्र है, पहला ही साम है ये सामवेद कथम शाखा का। तो उसमें कहा है अग्न आया ही, तो अग्न को उच्चारण करते समय वो ओगनाई उच्चारण करता है, आया ही को आया ही, इसको यहाँ पे दंड आता है, बीच में विराम आता है, फिर वही वीतये को वही तोयाई, फिर उसका अभ्यास करता है तोयाई को दोबारा कहता है, तो शब्द कैसे बनता है, ओम ओग्नाई आयाई तोयाई घृणानो व्यदातो नाइ होता साबाही। तो इस तरह से साम के उच्चारण में कितनी वेरिएशन जो है वो हमें दिखाई दी। अब ये वेरिएशन जो दिखाई देती हैं, इनको सारे को साम को एक व्यक्ति प्रकृति गान में तो अभ्यास में करते हैं, लेकिन इनका जब उपयोग किया जाता था तो इनकी त्रिच बना करती थी, तीन तीन ऋचाओं का एक सूक्त बनता था। तो उन सूक्तों को किस विशेष प्रकार से किस क्रम में कहना है उसकी वो विस्तुति कहलाती थी। तो वो ऊह गान में उनका प्रयोग होता है जो कि यज्ञों में प्रयोग होता था। तो यज्ञिक दृष्टि से इनको गाने वाले एक वर्ग होता था जिसको उद्गात्री वर्ग कहा जाता है। तो उस उद्गात्री वर्ग में मुख्य उद्गाता है, उसके साथ उसके तीन सहायक, जिसका एक का नाम प्रस्तोता, एक का नाम प्रतिहर्ता और एक का नाम है सुब्रमण्यम। तो ये चारों का वर्ग जब बनता है, ये चार गायक जो इकट्ठे होते हैं, तो सामूहिक रूप में साम का गान हुआ करता था। और जो जो पोर्शन, जिस तरह से आज ग्रुप सिंगिंग है, तो उस तरह से उस पोर्शन को गाने के लिए सबको अलग अलग पोर्शन जो है उनका निर्धारित था, और जो निर्धारित पोर्शन है उसको भक्ति कहा जाता था। तो भक्तियों को अलग अलग से प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये पांच भक्तियों के नाम हमें मिलते हैं। इसके अलावा ओंकार और हिंकार, ये दो भक्तियां और भी, ये परोक्ष संगीता का ही रूप है कि जब हम गाने लगेंगे तो ऋचा में तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गाने के वक्त पहले हिंकार और ओंकार, ये दो भक्तियां जो है वो और जुड़ जाया करती थी। तो सबसे प्रथम जो है हिंकार का गान, ओम में तो ड्रोन होती थी, ओम कहने से वो स्वर जो है वो ड्रोन स्वर हो जाता था, चाहे वो चौथे स्वर से प्रारंभ हो रहा है या प्रथम स्वर से प्रारंभ हो रहा है कोई भी गान, तो उसका जो वही स्वर जो है वो प्रथम या चौथा या तृतीय या द्वितीय जो भी स्वर से प्रारंभ हो रहा है वो उसका ड्रोन स्वर बन जाएगा, जैसे मूर्छना में होता है। तो उस स्वर से प्रारंभ होकर के पहली जो तीन लोग, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और उद्गाता, ये तीनों लोग हिंकार का गान करते हैं। तो हिंकार का गान हुम हिम हुम्बा, इन शब्दों के द्वारा, इन पदों के द्वारा किया जाता था। आज की जो ग्रुप सॉन्ग की
या जो जहाँ ध्रुपद के सामूहिक रूप में प्रस्तुत होता है, तो वहां ये हिंकार ये पहले अवश्य ही आज भी दिखाई देती है ये प्रक्रिया। तो उसके बाद उद्गाता, उद्गाता जो है वो उसको उसको ओंकार का गान करता है। फिर प्रस्तोता जो है वो प्रस्ताव भक्ति का गान करता है। तो ये ऋचा का एक पहला पोर्शन जो है वो गाता है। उसके बाद उद्गाता उद्गीत भक्ति का गान करता है। फिर उसके बाद प्रतिहर्ता प्रतिहार भक्ति का गान करता है। और उसके बाद उपद्रव एक भक्ति है जिसका गान फिर से उद्गाता करता है। ये मैक्सिमम पोर्शन होता है गाने का। और लास्ट भक्ति जो है अंतिम भक्ति उसको कहते हैं निधन। इसका गान जो है वो फिर तीन ऋत्विज उद्गाता प्रतिहर्ता और प्रस्तोता ये तीनों मिलकर के करते हैं। अब जो चौथा जो प्रीस्ट है सुब्रमण्यम, तो वो जो है वो उस स्वर को बुलाता है जो दूर से अगर किसी को आवाज देना होता है, तो उसका स्वर एक अलग स्वर था, उसको तान स्वर कहा जाता है। आज हम तान का प्रयोग करते हैं, लेकिन तान हम स्वरों के अवगुंठन को तान कहते हैं। उस समय एक ही स्वर का दीर्घ उच्चारण जो है वो तान कहलाता था। जैसे किसी राजा को आवाज देनी है या किसी घोषणा को करना है या सोम विक्रय करना है, तो वहां से वो बताता है कि मैं सुब्रमण्यम में आया हूँ, मैं सोम का विक्रय करना चाहता हूँ सोम याग के लिए। तो उस सोम लता को पीस करके उसका जो आसव निकलता था उसको फिर विभिन्न देवताओं को उसकी आहुति दी जाती थी। तो उस समय वो कैसी आवाज लगाता है, वो कहता है सुब्रमण्यम। इस तरह से जितनी भी लंबी आवाज होगी तो वो ये तान स्वर कहलाता था। ये सुब्रमण्यम जो चौथा प्रीस्ट है वो करता था, लेकिन तीनों प्रीस्ट जो है वो साम की अपनी अपनी भक्तियों का गान करते थे। अब आगे क्या हुआ, जब हम इसको देखते हैं प्रबंध के रूप में, क्योंकि पहले जाति भरत ने इन सबों को उल्लेख किया है। भरत ने अलंकारों में इन प्रक्रियाओं को, अगर हम उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये प्रक्रियाएं भरत ने कही हैं। और उनके समय में जाति गान होता था, लेकिन जो गीत प्रकार गाए जाते थे जातियों के माध्यम से, जाति तो स्वर रूप है, लेकिन उसके में जो शब्द मिल करके जो पद मिल करके उसके गीत प्रकार जो होते थे उसको कहते थे ध्रुवा गान। तो वो ध्रुवा जो गान था, ध्रुवा का मतलब जो अपने आप में, जैसे साम में सब गान सब भक्तियां उनके स्वर, कितनी भक्ति किस साम की है और हर एक साम का अलग से नाम, हर एक साम का अलग से उसका स्वर। तभी तो कहा है गीती सुशाम आख्या, तो ये साम क्या है, ये गीती है, कंपोजिशन है। तो हर कंपोजिशन का अपना स्वर है, हर कंपोजिशन का अपना नाम है, जिसको साम का नाम कहते हैं। जैसे गायत्र बृहत भरद्वाज रथंतर, इस तरह सब सामों के अपने नाम हैं। तो उन नामों से जो उनके सबके स्वर निर्धारित हैं और पूरा पूरा लक्षण ग्रंथ आज भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनको कि पढ़ करके उन सामों के विषय में संपूर्ण रूप से तो न सही, लेकिन जितना रूप हमें मिलता है उस रूप का हम अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। कुछ रूप अभी भी, कुछ शाखाएं, तीन शाखाएं अभी भी प्रचलित हैं, तो उनमें ये जिस रूप में भी मिलता है लेकिन परंपरा दिखाई देती है। और इसके बाद जब ध्रुवा गान में क्या थे, वो सात प्रकार के गीत हुआ करते थे, इनको गीतक कहते थे, उल्लोपयक रोविंदक ओणेवक ओवेणक इत्यादि, ये गीत प्रकार थे, इनके भी स्वर निर्धारित थे। तो इसी का ही प्रभाव, ध्रुवा गीत हमें आज गाने में नहीं मिलते, क्योंकि इनका जो क्रियात्मक रूप है वो हमें उपलब्ध नहीं होता, मात्र नाट्य शास्त्र में उल्लेख ही मिलता है। और उसका साहित्य, ध्रुवा गीतों का जो साहित्य है वो कुछ लोगों ने खोजा है। प्रेमलता बहन जी ने भी इस विषय में काम किया था, उन्होंने कुछ कहा कि कुछ ध्रुवा गीतों के प्रकार कभी रहे होंगे, तो ये खोज का विषय है, लेकिन वो पूरा एक संकलन आज तक अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन गान की सत्ता अवश्य थी ध्रुवा, क्योंकि उसके बाद जो बीच की कड़ी है वो फिर आया प्रबंध। प्रबंध को उसके भी प्रबंध कहते हैं, प्रकृष्ट रूपेण बंधा इति प्रबंधा,
जिसको प्रकृष्ट रूप से नियोजित किया गया है, सुनियोजित किया गया है। तो ऐसा रूप जो है गान का वो प्रबंध कहलाता है। तो उस प्रबंध के फिर जिस तरह से साम की भक्तियां हैं उसके प्रबंध के धातु चार धातु और छह अंग कहे। तो छह अंगों में अगर आप देखिए तो मुख्य रूप से क्या है, स्वर ताल पद विरुद्ध तेन और पाठ, ये छह अंग प्रबंध के शारंगदेव ने भी कहे हैं और भी जो उस समय के जितने शास्त्रकार हैं उन्होंने भी कहे हैं। तो उनमें मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो जो भरत ने सिद्धांत दिया था गांधर्व का, जहाँ जो वैदिकों ने सिद्धांत माना है कि एक स्वर है, एक लय छंद है और तीसरा जो है वो पद है, साहित्य है। तो इन तीनों का मेल जहाँ होता है, इन तीनों का जो एक उपयुक्त उच्चारण और गान होता है वही संगीत है, वही साम है। तो या वही शांतम शिवम वाचम तत साम। तो इसी तरह से प्रबंधों में भी ये, ध्रुवा में भी ये बात कही गई और प्रबंधों में भी इस बात को कहा गया। और प्रबंध के छह अंगों को यदि हम स्पष्ट रूप से देखें और सूक्ष्म रूप से देखें तो हमें सबसे पहले दिखाई देता है स्वर। स्वर सब समझते हैं, सरिगमा पधनी इत्यादि, ये स्वर हैं संगीत के। फिर ताल, अब जो सामवेद में छंद है लय है वो यहाँ आकर के ताल में परिवर्तित हो जाता है। क्या वहां, क्योंकि वहां किसी अवनत वाद्य की संगति जो है सामगान में नहीं हुआ करती थी, ये परवर्ती विकास है। तो यहाँ प्रबंध के समय पे ताल आ जाता है। और उसके बाद है तीसरा पद। तो ये स्वर ताल और पद ये मुख्य रूप से तीन ही अंग हैं और बाकी के जो तीन अंग हैं उनको भी हम चर्चा करते हैं अवश्य। उनमें एक है विरुद्ध। विरुद्ध कहते हैं जो राजाओं की स्तुति की जाती है या किसी महापुरुष की जब स्तुति की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी गाथा गाई जाती है, विजय की गाथा हो चाहे दान की गाथा हो, चाहे उसके अच्छे कृत्यों की गाथा हो जो जन कल्याण के उसने किए हो, तो वो कहलाते हैं विरुद्ध पद। ये जो रामचरितमानस में आता है इसका उल्लेख, जब राजा जनक ने सीता जी को स्वयंवर के लिए बुलाया तो तब क्या हुआ, तब सब जनों को उन्होंने कहा कि जो भी राजा जगह जगह के आए हैं तो उनको बुलाने के लिए उन्होंने भाटों को बुलाया। तो तब वहां आता है तब बंदी जन जनक बुलाए और विरदावली कहत चले आए। तो वो बंदी जन जो थे वो महाराज की जय हो या महाराज की सदैव विजय हो, तो इस तरह से जय घोष करते हुए जो शब्द कहे जाते हैं वो विरुद्ध पद कहलाते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की प्रशंसा में कहे जाते हैं, राजाओं की प्रशंसा में कहे जाते हैं। इसी तरह से दूसरा एक शब्द और है इसी में तेन। तेन भी पद है एक्चुअली, लेकिन यही जो पद है वो कॉमन नाउन है। ये तेन जो है ये फिर प्रॉपर नाउन है, ये विशेष संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये व्यक्तिवाचक न सम हो करके ये तेन जो है ये देवताओं के लिए उपयुक्त तो होता है। तेन शब्द जो है वो देवता के लिए उपयुक्त तो होता है, विष्णु हो चाहे हरि हो चाहे शिव हो, उस पद में जो भी शब्द ऐसा प्रयुक्त होगा जो देव की हमें परिचय करवाता है तो वो देवात्मक शब्द जो है वो तेन कहते हैं। अब अगर आप देखिए तो तेन तोम ताना नाना तेना, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रबंध के उच्चारण में बहुत कहे जाते थे, लेकिन बाद में अमीर खुसरो वगैरह ने ये कहा कि तराना तो हम ले आए, तोम नोम तो हम ले आए, नोम तोम तो हम लेके आए, ऐसा नहीं है। ये तेन पद हमारे भारतीय परंपरा में ही है और ये ईश्वर स्तुति परक जितने भी शब्द हैं वो तेन पद कहलाते हैं। तो इस तरह पद के तीन रूप हमें मिले, पद विरुद्ध और तेन। और एक छठा जो अंग है वो कहलाता है पाठ। पाठ कहते हैं पुड़े को, जो अवनद्ध वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है वो पाठ कहलाता है। तो वो पाठ ऊर्ध्वमुखी भी हो सकता है, वो अब जो है वो जो अपना साइड जिसको हम कहते हैं वो एक एक साइड से भी बंधे होते हैं जो दोनों तरफ से बजाए जाते हैं जैसे पखावज इत्यादि। तो ऐसे जो अक्षर
जो उन अवनद्ध वाद्यों पर बजाए जाते हैं, क ग ह किंग ध्रांग, जो इस तरह के बोल हैं, जो सिंगल पाठाक्षर भी हैं और संयुक्त अक्षर भी हैं। ये पाठाक्षर जो हैं, इनका भी प्रयोग ध्रुपदों में, विशेषकर चतुरंग जो शैली है उसमें हमें दिखाई देता है आज भी। तो ये ध्रुपद में ये भी प्रयोग होते थे, तो इसलिए प्रबंधों में ये प्रयोग होते थे जो कि ध्रुपदों में भी आए। तो इस तरह से ये छह अंग कहलाते थे। तो अब ये छह अंग वही हैं, स्वर, ताल और पद। और इसके जो आगे कहते हैं कि उसके चार धातु कहे हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये जो धातु है ये एक्चुअली भक्तियां ही हैं। ये जो धातु है ये भक्तियां ही हैं। पहली धातु कही, चार धातु कहलाते थे प्रबंध के, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। तो जो उद्ग्राह है, उद्ग्राह होता है कि उसको उत प्लस ग्राह, जिसको हम ऊपर की ओर, मतलब जिसको हम उत्सर्ग के लिए जिसको ग्रहण किया जाता है, तो वो उद्ग्राह है। और साम की भाषा में वो अंग जो है वो प्रस्ताव है। उसके बाद है ध्रुव, ध्रुव है जो उसका मुख्य हिस्सा है। तो यहाँ पे उद्गीत है, साम में जो उद्गीत है वो प्रबंध में वो ध्रुव है वो, और आगे जाकर के वो क्या बना बाद में बताऊंगी अभी। और उसके बाद तीसरा है मेलापक। अब मेलापक क्या है? मेल करने वाला। वेद में शब्द आता है तीसरी भक्ति के लिए प्रतिहार। तो प्रतिहार का मतलब प्रति आहार, जो एक भक्ति को दूसरी भक्ति के प्रति अग्रसर करता है गान को। तो जो उद्गीत को उपद्रव की ओर ले जाता है, तो उद्गीत भी उद्गाता गाता है और उपद्रव भी उद्गाता गाता है। लेकिन ये बीच में जो मेलापक है, मिलाने वाला जो ये भक्ति है, जिसको हम प्रतिहार कहते हैं, प्रतिहर्ता जिसको गायन करता है, तो ये वही है मेलापक जो कि सामगान में प्रतिहार है। फिर उसके बाद यहाँ चौथी भक्ति है, वहां साम में उपद्रव है लेकिन प्रबंधों में उपद्रव नहीं। वहां चौथी भक्ति आभोग कही है। आभोग मतलब जो उसका रस या उसका फल या उसका सबका जो एक तरह का प्रभाव जहाँ पे आकर के पूर्ण रूप में पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, वो आभोग। भोग शब्द है, भुंज धातु में आता है। तो वो भोग जो है वो भोज भुंगते, जिसको भोग किया जाता है, जिसका आस्वादन किया जाता है, जिसका रस आस्वादन किया जाता है, जिसके आनंद का अनुभव किया जाता है। तो ये आनंद ये उसका जिह्वा इंद्रिय का आनंद नहीं है, ये आनंद जो है ये आत्म आनंद और परमानंद की ओर लेके जाता है। ये ध्रुपदों में, प्रबंधों में ये आशा की जाती थी इसकी, कि ये अंग वहां ले जाए। और यहाँ पे साम में क्या है? साम में उसको निधन कहा है। निधन मतलब जिसमें विशेष रूप से सारा साम जो है वो पूर्ण होता है। और इस निधन को तीन ऋत्विज गाया करते थे। और जो निधन है, जिस चीज की कामना होती थी उस चीज का निधन होता था। जैसे वांग निधन, ये पशुओं के लिए जो है वो प्रजापत्य निधन, हिंकार निधन, हिंग निधन भी कहते थे। तो जिस जिस देवता से, वाम देवता के लिए वांग निधन, वांग जो है वो पशुओं के देवता है। तो इस तरह से जो जिसकी भी कामना होती थी तो वो निधन के रूप में वो उस भक्ति को जो है वो इंसर्ट कर लिया जाता था। अगर तो ऋचा में शब्द है तो ठीक है, ऋचा में अगर वो पद नहीं है तो वो एक्स्ट्रा इंसर्ट करके उस निधन का गान किया जाता था। इसलिए बाह्य निधन और अंतर निधन, दो तरह के निधनों की सत्ता हमें भक्तियों में दिखाई देती है। तो अब ये तो हुई प्रबंध के उसमें कंटेक्स्ट में। अब इसी को हम ध्रुवा गीतों में, मैंने आपको बताया कि ये वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव रूप से बराबर हो तो उसको ध्रुवा कहा गया। ये परिभाषा भरत ने स्वयं कही है। और इसके आगे ध्रुव पद जो है, तो वो ये शब्द जो है ये कहां से लिया गया? ये ध्रुव पद ध्रुवाओं का ही जो है वो उच्चारण आगे ध्रुव पद बना, क्योंकि उस समय पद निर्धारित हो गए। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि चाहे वो ध्रुवा गीत हो, चाहे वो साम के गीतियां हो, चाहे वो प्रबंध हो, इनकी भाषा
एक तो वैदिक मंत्र रही, दूसरा उनकी भाषा संस्कृत की जो काव्य है वो रहा। और प्रबंध का तो सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है जयदेव का गीत गोविंद के नाम से, जो कि अष्टपदी के रूप में प्रबंध शैली में रचा गया है। तो अब उनको ध्रुवपद जो है, वही बात है इसमें भी कि जिनका स्वर निर्धारित होगा, जिनमें लयकारियां। अब वो जो पाठ थे यहाँ आकर के ध्रुवपद में, वो क्या बन गई, वो सब लयकारियों का रूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो जितना के जितने तरह के पाठ हैं, उतने पाठ हूबहू तो वैसे नहीं लिए, लेकिन उनको आधार बना करके, क्योंकि ध्रुवपद गान में जो है वो ताने नहीं होती, वहां उन पदों को ही जो है वो उनको बनाव से उनकी मेलयकारी जो है वो आती है। तो उसके पीछे प्रभाव किसका है, वो सामवेद की जो पाठ संगीताएं हैं, जो पाठ के तरीके हैं, क्रम हो चाहे जटा हो चाहे रेखा हो दंड हो घन हो, तो उन तरीकों को ले लेकर के इनका निर्माण हुआ है। ऐसा मैंने खुद भी जाना है और मेरी चर्चा ध्रुपद विद्वानों से अवश्य हुई है। डागुर बंधुओं पे तो मैंने एक लड़की को काम ही करवाया था डागुर वाणी पे, और अपने दरभंगा के मलिक जी और उनके यहाँ भी कई बार चर्चा इन चीजों पे होती है। तो वो बोलते हैं कि हमारा तो सामवेद से सीधा संबंध है, वो इसलिए क्योंकि बीच का प्रबंध और जो ध्रुव है वो हमें क्रियात्मक रूप में आज प्राप्त नहीं होते, इसलिए ये है। वरना परंपरा में कहीं विश्रृंखलता या विच्छेद या कहीं चेन टूटती हो, क्रम टूटा हो, ये साहित्य हमें बताता है कि कहीं क्रम टूटा नहीं है, उत्तरोत्तर विकास हुआ है। तो अब हम ध्रुव की बात करते हैं, तो वहां एक शब्द आता है शारंगदेव ने, एक धातु, ये उद्ग्राह ध्रुव मेलापक और आभोग के अतिरिक्त अंतर धातु कही है। तो अंतर शब्द जो है, अंतर शब्द भी नाट्य शास्त्र से आया है, क्योंकि उन्होंने सात स्वरों के बाद जो दो स्वरों की कल्पना की है उनमें एक तो है काकली निषाद और दूसरा है अंतर गंधार। तो अंतर मतलब गंधार और मध्यम के बीच की जो दूरी है, वहां उन्होंने एक गंधार और स्थापित किया जिसका नाम उन्होंने अंतर गंधार किया। तो इसलिए अब जब उन्होंने जातियां कही और उनकी ताने कही, तो सकाकली सांतरा, तो इस तरह के जो रूप है हमें मिलते हैं कि अंतर गंधार युक्त जो है वो भी ताने भी हैं और उन्होंने उसके रूप बताए हैं। तो ये अंतर शब्द जो है ये नाट्य शास्त्र से ही आया है, लेकिन शारंगदेव ने इसको भी धातु माना। तो अंतर का कहने का मतलब है, अंतर का मतलब फर्क नहीं है, अंतर का मतलब है बीच के। हाँ, राम क्या कहते हैं, राम लक्ष्मणयो अंतरे सीता शोभती, के राम और लक्ष्मण के अंतर में बीच में सीता सुशोभित होती है, ये अंतर शब्द का प्रयोग है इस तरह का। तो अब ये जो हुआ कि अंतर शब्द का जो प्रयोग डाला, तो ध्रुपद में क्या हो गया, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। तो स्थाई जो है वो ध्रुव का रूप ले गया, जो कि हमारे यहाँ क्या था, प्रस्ताव था, जो प्रस्ताव था शाम की भक्ति में। अब यहाँ पे जिससे प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ ध्रुपद, उसको स्थाई कहा गया पहले पोर्शन को, और उसके बाद अंतरा कहा गया। तो अंतरा जो है वो मिलापक है एक्चुअली, वो प्रतिहार है एक्चुअली, वो मिलापक है, वो दो को मिलाने वाला है, इसलिए वो अंतरा है। तो वो अंतरा मतलब अंत का पोर्शन नहीं है, वो बीच का पोर्शन है, इसलिए वो अंतरा है। उसके बाद संचारी, संचारी जो है वो शब्द उपद्रव जो सामने कहा गया है, उपद्रव मतलब जितना भी विन्यास हो सकता है, जितना भी बाकी साम है, साम का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो संचारी ही होता है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, उसको संचारी जो है वो क्या है, वास्तव में वो उपद्रव ही है। आज की भाषा में उपद्रव का प्रयोग दंगों वगैरह के लिए किया जाता है, उस समय उपद्रव का प्रयोग जितनी भी इंट्री केसेस हो सकती हैं, जितना भी विस्तार हो सकता है, उस संचार हो सकता है, उसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कहाँ आ गया, ये आज के ध्रुपद में इसको हम संचारी कहते हैं। और आखिर वाला जो है भक्ति, उसको इन्होंने आभोग कहा है आज की भाषा में। तो ये आभोग जो है, ये प्रबंधों में भी आखिरी जो धातु थी वो आभोग कहलाती थी, और ध्रुपद में भी वो
आभोग शब्द है जो है वो विद्यमान है। तो इस तरह से जो उसमें उद्ग्राह ध्रुव में लापक आभोग है वही प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार उपद्रव और निधन है और वही आज स्थाई अंतरा संचारी और आभोग हैं। और एक शर्त और भी है कि जरूरी नहीं है कि शरणदेव ने भी कहा है कि हर प्रबंध में सारी धातु हो कोई जरूरी नहीं है, कहीं कहीं में लापक नहीं भी होता, कहीं कहीं इनमें से ध्रुव जो है वो कहीं नहीं जाता और जो शुरू वाला है प्रस्ताव ध्रुव जिसको कहते हैं स्थाई है वो कहीं नहीं जाता और आखिर का आभोग कहीं नहीं जाता। तो दो धातुएं जो हैं वो द्विधातुक प्रबंध भी होते हैं, ध्रुवद भी होते हैं, तीन धातु के प्रबंध भी होते हैं, चार धातु के तो खैर होते ही होते हैं। तो इस तरह से लेकिन साम जो है वो पंचभक्तिक होता ही था। ध्रुवा गीतों में भक्तियां हमें जो दिखाई देती हैं वो उद्ग्राह ध्रुव मैलापक और आभोग ये उसमें मिलती हैं प्रबंधों में, लेकिन वहां ये भी शर्त कही है कि इनमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी धातु में प्रयोग हो, उनमें दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। इसका रूप हमें परवर्ती जो संगीत विकसित हुआ ख्याल के रूप में वहाँ हमें खूब दिखाई देता है। वहाँ क्या दिखाई देता है कि पहले पहले जो ख्याल रचे गए थे उनकी कविता बड़ी बड़ी थी, तीन तीन अंतरे थे, चार चार अंतरे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया अंतरा अंतिम पोर्शन को समझ लिया गया कि एक तो स्थाई है और दूसरा अंतरा यानी कि अंतिम पोर्शन है, तो बीच का पोर्शन ना होकर के अंतरा अंतिम पोर्शन हो गया। और कुछ कुछ ऐसे ख्याल भी रचे गए तो जिनमें स्थाई ही स्थाई थी, अंतरा था ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दोष आ गया, इसका मतलब ये है कि वो स्वर का जो विन्यास है वो इतना बढ़ गया कि शब्दों का अर्थ जो है वो गौण होता चला गया है। और ऐसे में शब्द भी जो है वो भाषा संस्कृत ना होकर के ध्रुपदों में भाषा जो मुख्य रूप से दिखाई देने लगी, पंजाबी में भी ध्रुपद लिखे गए, क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए, लेकिन अधिकतर जो ध्रुपद प्राप्त होते हैं उसमें ब्रज भाषा का बहुत ही प्रभाव रहता है। तो इस तरह से भाषा भी बदली, गाने का थोड़ा बहुत तरीका भी बदला, लेकिन जो उसके मूल में है वो मूल से हम कभी भी अलग नहीं हुए हैं, मूल के साथ हम हमेशा जुड़े ही रहे हैं। तो आवश्यकता तो इस बात की है कि आज ध्रुपद गाने वाले भी सीमित होते चले जा रहे हैं और उसको समझने वाले तो जो घरानेदार चल रहे हैं, लेकिन जो आपने विषय उठाया है मैं निश्चित रूप से ये कहती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा विषय है और गंभीर चिंतन का विषय है। इस दृष्टि से अधिक अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारी संगीत परंपरा और उसके साथ हमारी जो चिंतन परंपरा, जो सांस्कृतिक परंपरा है वो भी एक रूप में अखंड परंपरा जो है वो दिखाई देगी। इतना मेरा ख्याल मैंने संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इससे आपको जो भी लाभ हो, जो जिज्ञासाएं इस दिशा में बढ़ें और प्रकल्प इस दिशा में उठाएं, तो मैंने एक चीज मैं और कहूंगी कि जो ताल का जो रूप चला वो भी वेद से ही प्रभावित था। ये अंतिम आशुतोष जी अगर मुझे दो मिनट दें तो मैं इस बात को भी कह सकूं। जी जी इसको पूरा करें आप। वो ओंकार कहा जाता था, तो उस ओंकार को जो कहने का तरीका था वेद में सर्वपूर्ण प्रथम तो कहना ही है ओंकार, लेकिन स्वर साधना में संगीत साधना में हम ओंकार को आज भी हम ओंकार की साधना करते हैं, लेकिन वो ओंकार जो है वो 12 कला का ओंकार था कि तीन ओंकार के हैं, जैसे ओम की तीन मात्राएं, ओ की तीन मात्राएं हैं और आदि अक्षर म है, तो ये 3.5 अक्षर दिखाई देता है। लेकिन गान में मात्रा लक्षण में बताया गया है कि गान में जो म है अनुस्वार जो है उसको पूर्ण मात्रा जानना चाहिए, ये मात्रा लक्षण ने मात्रा के विषय में बताया सामगान करते हुए। तो इस तरह से उस ओंकार की 4 मात्राएं बन गई और प्रत्येक अक्षर की 3-3 कलाएं बताई हैं। तो इस तरह से ये ओंकार जो है वो 12 कलाओं का बनता है और ध्रुपदों में चौताल में जो गाए गए वो 12 मात्रा का जो है आज भी ध्रुपद जो है बहुत प्रचलित है और पहली मात्रा से
सम लेकर के गाने की भी एक बहुत परंपरा रही है। और सिर्फ अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं, ये तो स्वर की बात थी, विभाजन की बात थी, अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो जिस तरह से प्राकृतिक शक्तियों को, जिस तरह से देवी देवताओं को, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं के रूप में देख करके सामगान रचे गए कि कोई सोम की स्तुति है, कोई इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, तो उसी तरह से परवर्ती काल में भी जातियों में भी पौराणिक देवताओं की स्तुतियां हमें दिखाई देती हैं ध्रुवा गीतों में। और विष्णु पद, तो जिसको ध्रुपद को विष्णु पद कहा ही जाते थे, ये मुख्य रूप से विष्णु की स्तुति परक जो बंदिशें हैं उनको ही कहा जाता है। और वेद का जो असर है वो कहीं गया नहीं है। मैं एक ध्रुपद की मात्र छोटी सी एक लाइन बताऊंगी, भोपाली में बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब पे आप उसको विस्तार से सुन सकते हैं। तो ये चौताल में है, इसकी 12 मात्राएं हैं, लेकिन जो मैंने ओंकार के लिए कहा है कि तीन तीन कला एक एक जो मात्रा की है इसमें साफ दिखाई देती है। शब्द हैं, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरण यजमान। तो ये पंच तत्वों की और छवा यजमान, ये इसकी कल्पना की गई है कि ओंकार से ही इन सब की व्युत्पत्ति हुई है। भोपाली में गाया गया है ये, इसमें तीन तीन कला में गाया, वैसे तो 12 मात्रा का ताल है लेकिन तीन तीन मात्रा का इसका एक एक बंद बनता है। कैसे, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी यजमान, तू ही सूर्य, चंद्र। तो इस तरह से अंतरा में शिव के 8 नाम कहे हैं, भव, रुद्र, सम, समान, सर्व। तो ये सारे रूप किसके हैं, ये उसी ओंकार के हैं। तो ओंकार क्या है, संगीत का मूल है। तीनों लोकों की उत्पत्ति भी ओंकार से कही गई है। तो इस तरह संगीत हमें इस धरातल से लेकर के कहाँ तक लेके जाता है, आध्यात्म तक लेके जाता है, परब्रह्म तक लेके जाता है। वो चाहे वो साम गाएं, चाहे प्रबंध गाएं, चाहे वो ध्रुपद गाएं, सब एक ही रस जो है, एक ही तत्व सब में विद्यमान है, स्वर, ताल और इन्हीं शब्दों के साथ। मैं धन्यवाद करती हूँ पुनः पुनः आयोजकों को और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार, बल्कि आभार भी नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से, जिस विद्वत्तापूर्ण से और सहृदयता दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने एक बेहतरीन साम रूप में साम की प्रस्तुति की है, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। मैं आपको नमन करता हूँ आपके ज्ञान के लिए और सहृदयता के लिए। और बहुत सारे विषय मुझे भी नहीं मालूम थे और आपने जिस तरह से उनको स्पष्ट किया है और प्रस्तुत किया है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। और मैं अपेक्षा भी ये करता हूँ कि जितने हमारे प्रतिभागी हैं, श्रोता हैं, उनका आज निश्चित रूप से इस तरह का एक नया साक्षात्कार हुआ होगा कि सामवेद जो है वो केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है, साम एक संस्कृति है। और वही अगर साम जीवन में उतर आए, जिसके लिए हम निरंतर अभ्यास करते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का और समाज का जीवन बहुत सुखद हो जाए। इसके और भी पक्षों पर हम बात करेंगे बाद में। और मैम, मैं आपसे जरूर इस विषय को थोड़ा और भी व्यापक रूप में अलग से चर्चा करना चाहूँगा कि साम और मातृकाओं का जो संबंध है उस पर, क्योंकि मातृकाओं में जो है वो वर्णमाला जो शुरू करते हैं वो म से शुरू करते हैं, जबकि सामान्य रूप से हम अ से करते हैं, तो वो रहस्य भी कुछ एक चर्चा के लिए अपेक्षित हैं, लेकिन वो फिर हम दोबारा उस पर चर्चा करेंगे। तो आपके इस साम पूर्ण सुखद व्याख्यान के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले वक्ता। सर मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ। नहीं, रोकिए मत। मैम, मैं आपको बिल्कुल बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने, मतलब जो हम अलग से हम सामगान के विषय में जान रहे थे, अलग से हम संगीत के विषय में जान रहे थे, जिस तरह से आज आपने विद्यार्थियों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी जिस तरह से अपना व्याख्यान दिया है, जैसे पद पाठ आपने कहा कि क्रम रीति अलंकार है, जटा पाठ है, उसमें खंड मेरु जो है वो हम आज के टाइम में जो हम जिसको खंड मेरु कहते हैं, और संचारी में आपने बताया नोम तोम के अलाप हैं, सामगान में मतलब प्रबंध गान को इस तरह से जो जितना आपने विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है, बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। मैम, हृदय दिल से आभार, नमस्कार आपको। मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, जो हमारे प्रतिभागी हैं वो वहां पर भी, यहाँ भी मैं मैसेज देख रही हूँ सभी के, और मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल भी मुझे कई कईयों के मैसेज आ चुके हैं कि एक विषय जिस तरह से एक ये उठाया गया है और जिस तरह से इस ये विषय प्रस्तुत किया जा रहा है, सभी सर आप भी और मैम आप भी, आप बिल्कुल मेरा हृदय से प्रणाम है, आभार है, और बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। वैसे मधु, एक बात का ध्यान रखें कि मधु विद्या वेदों की विद्या है, इसलिए उस मधु को मधु दर्शन का भी हमें किसी दिन चर्चा रखेंगे, क्योंकि उस मधु का शाम से बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि अभी अभी तो हमने सिर्फ चर्चा अग्नि सोम और शाम की है, उस पक्ष पे ज्यादा नहीं गए, लेकिन मधु विद्या अपने आप में 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है, उस पे भी चर्चा करेंगे। और आप जी का सर, बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब हम अगले पक्ष को देखें और समझें कि ये ध्रुपद जो गायन है, कि ध्रुव पद, ध्रुव क्या है और पद क्या है, क्या ध्रुव ऐसे कुछ फिक्स पैरामीटर्स रहे हैं जिनके आधार पर हम पदों को बदलते रहे हैं। क्योंकि पद शब्द को भी हम ठीक से नहीं जानते। पद का मतलब हम पद्य समझ लेते हैं, लेकिन जब आप संस्कृत की अपनी परंपरा को देखते हैं तो पद का मतलब है शक्तम पदम, जिसमें सामर्थ्य होता है, जिसमें शक्ति होती है, वो पद कहलाता है। और फिर उसको और आगे जब आप टटोलने लगते हैं तो उसका जो सुबंत और तिगंत, इस तरह की कई परिभाषाएं हैं टेक्निकल सी, उसमें मैं नहीं जा रहा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय, अत्यंत मान के योग्य पंडित देवेंद्र वर्मा जी, बजरंग जी को, कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। और इस ध्रुपद, जिसको लोग सिर्फ ध्रुपद ही समझ के रह जाते हैं, उसमें ध्रुपता ध्रुपता क्या है, और पद जो है वो निरंतर परिवर्तन रहता है, वो क्या है, उसका संबंध किस रूप में अपनी वाणी जो है हमारे साथ, अपनी बात से हमें वो आह्लादित करें। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पंडित देवेंद्र वर्मा जी। धन्यवाद प्रोफेसर आशुतोष जी। सबसे पहले मैं SD कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मेरी पूर्व वक्ता पंडिता प्रोफेसर पंकज माला जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, मधु जी और अनेकों उपस्थित श्रोतागण, विद्यार्थियों, जितना विशद विवेचन प्रोफेसर पंकज माला जी ने साम के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि उसमें बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जितना उन्होंने प्रस्तुत किया है वो अद्भुत और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थी क्या, हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत सारी चीजें हमारी समक्ष निकल के आई। मैं उसी क्रम में, मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से उसी क्रम से मैं अपने वक्तव्य पर आऊंगा।
कुछ स्लाइड्स हाँ जी ड्रॉ कर रहा हूँ जी। हाँ जी तो हेलो हाँ जी मैं स्लाइड्स शेयर करूंगा। तो साम के संदर्भ में परम श्रद्धेय प्रोफेसर पंकज माला जी ने बहुत अच्छा उसका विवेचन किया। साम से साम के बाद में हम जाति गायन पर आए, जाति गायन से प्रबंध पर आए, प्रबंध से हम ध्रुपद पर आए। तो ये मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इतना एक बात मैं ये कहना अवश्य चाहूँगा कि हमारा जो संगीत है वो सबसे पहले हमको नादाधीनम जगत की ओर हमें इंगित करता है कि हमारा चाहे सामगान हो, चाहे हमारा जातिगान हो, चाहे हमारा प्रबंध हो, लेकिन जो मूल तत्व तो है वो नादाधीनम जगत। ये संपूर्ण जगत ही नाद के अधीन है और है। संभवतः ये अवधारणा भी हमें वेदों से ही मिली हो। अभी जैसा कि गीता के संदर्भ में डॉक्टर आशुतोष जी ने बताया, अपने स्क्रीन शेयर में भी वेदानाम सामवेदोस्मि, और इसके साथ साथ महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाते हुए सामवेदस्य वेदानाम यजुषाम सतरुद्रियम, सामवेद ज्ञान कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो संगीत की जितनी भी जो अवयव हैं, चाहे स्वर हो, ताल हो, लय हो, छंद हो, गति हो, मंद्र हो, सर हो, चिकित्सा हो, नृत्य हो, मुद्रा हो, भाव हो, ये सब कुछ सामवेद की ही देन है। मैं अब थोड़ा थोड़ा ये सामवेद के सामान्य परिचय, साम मैं विद्यार्थियों के लिए, विद्वज्जनों के लिए नहीं, मैं विद्यार्थियों के लिए इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि जो साम शब्द है उसकी उत्पत्ति सामन शब्द की उत्पत्ति उससे हुई है, जो सन धातु से मन प्रत्यय लगने से होती है। साम का शाब्दिक अर्थ है वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जाए। शबर स्वामी के अनुसार विशिष्टा काचित साम्यो गीत साम्यो चिच्छते, अर्थात मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति द्वारा गाया जाता है उसे सामन कहते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, यहाँ अंगिरस जी की भी बात आ गई है, हमारे ऋषि अंगिरस वो भी ऋग्वेद में उनकी चर्चा हुई है, जिनको अंगिरस और अंगिरा ये उनको भी नमन करने का ये वक्त आ गया है। सामवेद के, जैसा कि अभी पहले पूरी चर्चा हो गई है, सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। इस तरह से सामवेद में ऋग्वेद से 1504 मंत्र लिए गए हैं और सामवेद के 104 मंत्र ही अपने हैं। इस तरह से हमारे कुल जो 1875 मंत्र सामवेद में दिए गए हैं। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं और 49 स्थानों का वर्णन मिलता है। 7 स्वर इसी क्रम में है, मध्यम ग्राम, मध्यम गंधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत, पंचम। यहाँ स्वरों का जो क्रम है वो मध्यम से है। ये मैं विद्यार्थियों को समझने के लिए ये मैं कह रहा हूँ। वैसे विशद चर्चा आदरणीय प्रोफेसर पंकज माला जी बहन कर चुकी हैं। 3 ग्राम हैं, 7 स्वर और 3 ग्राम मिलकर के 21 मूर्छनाएं बनती हैं। 7 स्वर से हमारे 49 ताने हमारी बनती हैं।
साम के स्वर हमारे तीन स्वर हैं, जैसा कि अभी पहले भी उद्दात और अनुद्दात स्वर थे, लेकिन उद्दात के अंतर्गत हमारे दो स्वर निषाद गंधार। आमतौर पर हमारा विद्यार्थी वर्ग, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उद्दात और अनुद्दात और स्वरित केवल तीन ही स्वर हैं, लेकिन यहाँ सातों स्वरों की सत्ता पहले से ही निहित है। साम गान का प्रारंभ और समापन ओम की ध्वनि से किया जाता था, ये भी हमारा सत्य है। अभी चर्चा हो चुकी है साम गान के प्रमुख वेद हिंकार हुंकार, गान से पूर्व आ की तरह हूं का उच्चारण करना, प्रस्ताव गीत अथवा मंत्र का आरंभिक भाग, उद्गीत प्रस्ताव के उपरांत गीत का मुख्य भाग, प्रतिहार गायक उद्गीत के अंतिम पद के गायन के प्रतिहार में प्रवेश करता था, निधन और ये अंतिम भाग। साम की विशेषताएं अभी चर्चा हो, प्रस्तोता उदगाता प्रस्तोता प्रस्तोता उदगाता और प्रतिहर्ता, ये तीन हमारे गायक होते थे। इसके पश्चात बात आती है साम के बाद में जाति गायन की। जाति गायन की चर्चा करने से पूर्व हमें नाट्य शास्त्र की ओर पे भी चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा संगीत का पंचम वेद है। सामवेद से तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आई ही, लेकिन नाट्य शास्त्र हमारा संगीत और नाट्य का ही हमारा शास्त्र है, और उसके 36 अध्याय सबको सर्वविदित हैं। 29 से 34 में संगीत के सभी अवयव वहाँ चर्चा की गई है। बृहद्देशी में मतंग मुनि कहते हैं कि श्रुति ग्रह स्वराद समूहा जावंत इत जातया। श्रुति ग्रह और स्वरादि के समूह से जो जन्म पाती है वह जाती है। ये राग गायन का प्रारंभ नहीं हुआ था, सामगान था। सामगान में वेदों की ऋचाओं का पाठ होता था, और सामवेद में ऋग्वेद की उन ऋचाओं का संकलन किया गया था जो गेय थी, तो वहां साम का गायन होता था, वहां राग का जन्म नहीं हुआ था। तत्पश्चात हमारी जाति गायन हमारा प्रारंभ हुआ, जिसमें विविध जातियों का, जैसे औरव शारव संपूर्ण सभी परिचित हैं, उन जातियों का उनकी एक निश्चित अवधारणा बनी कि उसका प्रारंभ भी निश्चित होना चाहिए, उसका समापन भी निश्चित होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हमको सामवेद से ही जाति गायन में आई। भरतकृत नाट्य शास्त्र में जाति का विशेष वर्णन मिलता है। भरत ने जाति के 10 लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को 5 जोड़ों में देखा जा सकता है। ये जाति के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को लेकर के ही गायन प्रारंभ हुआ। ये धारा हम मैं सब इन बातों को लेकर के ध्रुपद तक में जाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सारी चीजें हमारे ध्रुपद तक ट्रांसफर हुई, और ये जाति के जो हमारे 10 लक्षण ग्रह अंश तार मंद्र न्यास अपन्यास अल्पत्व बहुत्व साढ़व औरव, जाति का हमारा एक निश्चित स्वर होता था जिसको हम ग्रह स्वर कहते थे, जहां से बंदिश को उठाया शुरू किया जाता था। अंश स्वर भी उसका एक वो स्वर होता था जहां से उसको हम विभाजित करते थे। तार मंत्र, अमुक जाति तार सप्तक में यहां तक जाएगी, मंत्र सप्तक में यहां तक जाएगी, जिस तरह के आज भी हमारे रागों में इनको
पूरी तरह से अपनाया जाता है। रागों में बहुत सारे राग हमारे ऐसे हैं जो तार सप्तक में ही गाए बजाए जाते हैं, मंद्र सप्तक में उनका गायन नहीं होता, या बहुत सारे राग हमारे ऐसे हैं जिनका मंद्र सप्तक में गायन होता, तार सप्तक में उनका गायन नहीं होता। तो इसी तरह से न्यास, न्यास का मतलब जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ हम हमारा ठहराव होता है, जहाँ हमारा कोई स्टेशन होता है, वो न्यास। न्यास के स्वर जैसे आजकल हम जिसको हम वादी स्वर के नाम पे हम जानते हैं, कोई हम अपना उनको हम स्थाई स्वर के नाम से ही मानते हैं, जिनको हम जिन जैसे षड्ज, हमारा षड्ज या हमारा पंचम, ये तो हमारे स्थाई स्वर रहते ही हैं। पंच जिन रागों में पंचम मध्यम नहीं है वहाँ हमारा षड्ज तो है ही। इसके साथ साथ जिन रागों में सपोज मैं बात करूँ, जैसे मान लो मारवा है, तो वहाँ हमारा अपना पंचम है ना हमारा शुद्ध मध्यम है, तो वहाँ षड्ज तो हमारा है ही, उसके अतिरिक्त भी हमारा और भी जैसे हमारा गंधार भी उसमें हो सकता, ऋषभ हो सकता है, जैसे मारवा में ऋषभ उसका महत्वपूर्ण है, इसलिए वो हमारा उसको न्यास स्वर। और जहाँ गीत के किसी भी खंड की समाप्ति हो उसे अपन्यास कहते हैं, गीत के खंड की, गीत की नहीं, गीत के किसी पर्टिकुलर खंड की। फिर अल्पत्व बहुत, किस स्वर को हमें कितना लगाना है, किस स्वर का प्रयोग हमारा कितना अल्प होना चाहिए, जैसे सपोज हम बात करें राग विभास की, अगर हम बात करते हैं, अब वहाँ ऋषभ है लेकिन वो उसका अल्पत्व है, उस वो उसकी स्थिति ऐसी है कि ना तो हम उसे छोड़ सकते ना उसे हम अपना सकते। अगर हम मुल्तानी की बात करें, वही स्थिति मुल्तानी में भी ऋषभ की है, ऋषभ तो है लेकिन वो उसका अल्पत्व है। अब और दूसरे बहुत, जिस स्वर की का बहुतायत में प्रयोग, इसी तरह से उसकी जातियां षाडव औडव जातियां, तो इस तरह से जाति गायन हमारे बीच आया। और जाति गायन के पश्चात, जाति गायन से ही हमारे प्रबंध गायन में हमने प्रवेश किया। प्रबंध, प्रबंध क्या चीज है, प्रबंध वास्तव में बड़ी बड़ी रचनाएं हुआ करती थी जिनमें, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा जिसमें मैंने ये स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे गीत गोविंद, इसमें बड़े बड़े पद हैं, बहुत बड़े बड़े पद हैं। तो ये प्रबंध हमारे जैसे आज हमारा जो ख्याल है उसमें स्थाई अंतराई होता है, हमारे ध्रुपद में स्थाई अंतरा संचारी आभोग, ये चार अंग हमको जो प्राप्त होते हैं, तो ये लेखन प्रबंध हमारे और बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ये जो हमारी यात्रा साम से शुरू हुई, साम से हम जाति गायन पर आए, जाति गायन से हम प्रबंध में आए। हाँ, स्वर तो हमारी वही थी जो जाति का स्वर और ताल में बंधे हुए गीतों को लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में उनको प्रबंध कहा जाने लगा। और इस प्रबंध में वैसे तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संगीत है वो आध्यात्मिक है, धर्म से प्रेरित है, तो इन प्रबंधों में ज़्यादातर हमारी स्तुतियाँ ही पाई जाती थी। हाँ, अभी जैसा कि आदरणीय पंकज माला बहन जी ने बताया कि उसमें हमारी बहुत सारी, जिनमें विरुद्धावली, विरुद्ध की चर्चा जो की, वो विरुद्धावली उसमें तो राजे महाराजाओं की उनकी प्रशंसा होती थी, लेकिन तो उस तरह के प्रबंध भी हमें मिलते हैं, लेकिन उसके जो मूल उसका भाव था वो केवल हमारे देवी देवताओं की स्तुति से था। प्रबंध का प्रथम भाग जिसको गीत का प्रारंभ होता था उद्ग्राह कहलाता था। प्रबंध के भी प्राय चार भाग ही होते थे, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभूत, ये भी चर्चा हो चुकी है। जयदेव कृत गीत गोविंद प्रबंध का सशक्त उदाहरण है। प्रबंध गीत का प्रचार लगभग 400 वर्ष तक रहा, आज भी कुछ मंदिरों में पुराने प्रबंध सुनने को मिल जाते हैं। हाँ जी, प्रबंध हमारा आज भी है। आज आप, मैं जैसे अगर आप उड़ीसा में जगन्नाथ जी के मंदिर में अगर आप जाएं, तो वहाँ आपको यदाकदा प्रबंध आपको सुनने को मिले, अष्टपदी वहाँ सुनने को मिले। हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगा, जैसे सामगान
था, सामगान के बाद जाति गायन आया, प्रबंध गायन। इसके साथ ही साथ इनकी कुछ हमारी रचनाएं कुछ ऐसी भी आई जो हमारी द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, अष्टपदी तो हमारी इस प्रबंध में आ गई। इस प्रकार जो अष्टपदियों का जो संकलन हमें गीत गोविंद में मिलता है, तो ये इस प्रकार की ये रचनाएं हमारे सामने जो प्रस्तुत हुई और हमारे समाज में ये फैली, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मैं एक बात और कहूंगा, इसी समय एक ऐसा क्रांतिकारी काम हुआ कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का वक्त था। हेलो जी सर। हाँ, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हाँ, पता नहीं मुझे स्क्रीन चली गई आवाज। हाँ जी, एक मिनट, कहाँ गए? हाँ जी, तो दिल्ली में तो हमारे एक गायक थे जिनका नाम था गोपाल नायक। तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रबंध से प्रभावित हुई, उसमें प्रबंध में हमारे जैसा अभी पहले विरुद्ध पद तेन पाठ ताल आदि ये इस तरह के भाग थे, उससे प्रभावित होकर के एक नई शैली का जन्म हुआ जिसको ध्रुव पद नाम दिया गया। जो ध्रुव का मतलब निश्चित, ध्रुव का मतलब जो जो बिल्कुल स्थायी है, जो स्थिर है, और उसी से ही हमारा ध्रुपद हमारा बना, और उस ध्रुव के आधार पर इसको ध्रुव पद या ध्रुपद नाम दिया गया। और जहाँ तक इसके जन्म का प्रश्न है, जहाँ तक इसके प्रारंभ का प्रश्न है, तो सबसे पहले जो ध्रुपद गाया गया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गोपाल नायक ने प्रस्तुत किया। और गोपाल नायक का जो ध्रुपद था वही आगे चल करके आज का हमारा ये ध्रुपद का जो स्वरूप हमें जो दिखाई देता है वो हमारी समक्ष आया। तो ध्रुपद में वो सारे अवयव थे जो हमारे प्रबंध में थे। फर्क ये था, प्रबंध बहुत बड़े बड़े थे, ध्रुपद हमारा छोटा था। साम में हमारे मंत्र थे, जाति गायन में हमारे, और उसमें ऋचाएं भी थीं, कुछ अन्य काव्य भी थे जिनमें एक प्रकार से रागों का जन्म हो गया था। पर्टिकुलर रागों, राग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, उनको स्वरों के विविध स्वरूपों को लेकर के उनका नाम, उसको जाति नाम दिया गया, और इस तरह से वो हमारा हमारे समक्ष ये आया। और पर जब प्रबंध आया, प्रबंध में हमारा कुछ ये रागों के का भी संचालन शुरू हो गया, रागों का भी अवतरण हो गया वहां। लेकिन परंतु फर्क ये हुआ कि प्रबंध बहुत बड़े बड़े गाए जाने लगे, बहुत उसमें कई प्रकार की स्तुतियां भी थी, विरुद्ध भी थे और अन्य प्रकार की रचनाएं भी थी उनके। प्रमुख रूप से जैसा कि अभी आदरणीय पंकज माला जी ने बताया कि उसके भी चार भाग ही प्रचलित हुए, तो वही से जो कुछ आया, वहीं से जो हमारा ध्रुपद का आविर्भाव हुआ। तो ध्रुपद का जो जन्म भी प्रबंध से ही मानना चाहिए, प्रबंध से ही। अब बात आती है कि जो ध्रुपद के जो वाग्यकार थे, उन्होंने गंधर्व गान जो प्रबंध की परंपरा को ही आगे बढ़ाया, वो प्रबंध की ही परंपरा थी। फर्क क्या हुआ कि उसके चार खंड उनके नाम बदल गए, उनका नाम स्थाई अंतरा संचारी अभोग हो गया, एक नए छंद की रचना हुई। जैसा कि अभी प्रोफेसर पंकज माला जी ने बताया, अभी एक भूपाली का ध्रुपद सुनाया, तू ही सूर्य तू ही चंद्र, तो ये घनाक्षरी छंद में ध्रुपदों की रचना हुई।
मेरी एक रचना है, शंकर सुत गणेश विघ्न हरो काटो क्लेश, गौरी नंदन एक अदंत लंबोदर वत्स महेश, गणनायक भाल चंद्र गणाध्यक्ष बुद्धिनाथ, ब्रजरंग सेवे प्रथम गणपत जग नरेश, शंकर सुत गणेश। तो ये इस प्रकार के छंद की रचना, हालांकि घनाक्षरी में भी उसके भी कई प्रकार हैं, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, तो घनाक्षरी जो छंद आया वो हमारा ध्रुपद में इसका समावेश हुआ। अब इसके पश्चात जो ध्रुपद आया, ध्रुपद का ही, ध्रुपद प्रबंध का ही रूपांतर है, वह जोरदार मर्दानी, हाँ ये सब जानते हैं, ध्रुपद बड़ी मर्दानी आवाज, जोरदार आवाज, उसका एक कारण मैं जो समझता हूं, अगर हम वर्तमान परिवेश से उसे अगर हम जोड़ें, तो चूंकि हमारा मृदंग की ध्वनि बहुत जोरदार थी, तो कहीं उस मृदंग की ध्वनि में गायक की ध्वनि न छुप जाए, इसलिए उसका गायन खूब जोरदार होता था, और उस जोरदार गायन में सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो होता था उसमें अलाप। अभी मैं और घरानों पे आऊंगा, तब तो उसमें तो घर उस पर जोर दिया गया, और जो रचनाएं हुई वो अधिकतर रचनाएं आध्यात्म पर हुई, आध्यात्मिक रचनाएं हुई। एक चीज और, जैसा कि अभी आदरणीय दीदी ने बताया कि हाँ ध्रुपदों की रचनाएं पंजाबी में भी हुई, दूसरी भाषा में, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि ध्रुपद का जन्म भी ब्रज से है, उसका प्रचार भी ब्रज से है, और ब्रज से ही ये ध्रुपद हमारे अन्य क्षेत्रों में ये फैला। स्वामी हरिदास जी इसका एक हमारे पास एक बहुत बड़े सशक्त उदाहरण है। स्वामी हरिदास जी इसमें देखिए, बहुत सारे और भी हमारे जो अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप के कवि गायक, जिसमें सूरदास जी, नंददास जी, कुम्मन दास जी, चित स्वामी परमानंद दास जी, ये हमारे अष्ट कवि जो थे, ये भगवान कृष्ण के ही भक्त थे और उनके ही स्तुतियां गाया करते थे। एक वक्त एक और परिवर्तन ये हुआ कि उसी वक्त ये औरंगजेब का काल था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हमारे गुसाई लोग वृंदावन से भगवान के विग्रह को लेकर के उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया, और बैलगाड़ियों में भगवान के विग्रह को लेकर के जब वो राजस्थान के रास्ते से गुजरात के लिए जब उन्होंने प्रस्थान किया, तो बीच में श्री नादद द्वारा में मीराबाई वहां रह गई, भगवान अपने विग्रह को वहां उन्होंने स्थापित किया, बाकी गुसाई लोग गुजरात चले गए और उन्होंने वहां के सेठों की हवेलियों में भगवान को स्थापित कर दिया। जब उन्होंने अपने अपने विग्रहों को वहां स्थापित कर दिया, तो एक चूंकि उनका मिलना जुलना आना जाना वो था नहीं, वहीं उनकी सेवा पूजा उनका करना, तो एक और एक नई शैली का जो ध्रुपद का ही एक स्वरूप और बना, जिसको हवेली संगीत नाम दिया गया। चूंकि हवेलियों में भगवान की सेवा पूजा होती थी, तो वहां यही ध्रुपद धमार की जो शैली थी वो उसका स्वरूप कुछ और हो गया, रागों के स्वरूप भी बदल गए, रागों में परिवर्तन भी आ गए, तो उसमें हम बहुत सारे राग आज भी हमारे हिंदुस्तानी संगीत से आपस में नहीं मिलते, हवेली संगीत के राग हमारे। दूसरा, ध्रुपद में आमतौर पर हमारी, जैसे मैं कहूँ कि तीन ताल की रचना का गायन नहीं देखने को मिलता, आमतौर पर ध्रुपद हमारे एक ताल में, सॉरी चार ताल में,
शूल ताल में, तीव्रा ताल में, या और बड़े अष्टमंगल में, गणेश में, शिखर में, इन तालों में हमें देखना, धमार हमारी धमार ताल में। लेकिन वहां जो स्थिति हुई जब ये हवेली संगीत का जब प्रादुर्भाव हुआ, तो उस हवेली संगीत के माध्यम से वहां द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, वो भी पल्लवित पुष्पित हुई और उनको उनके विविध स्वरूप वहां आए। जैसा कि हमारे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ठुमरी का जन्म ख्याल के बाद हुआ, बाइजली शाह के टाइम हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि जब हवेली संगीत का प्रादुर्भाव हुआ, द्रुपद से जब हवेली संगीत का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें जो द्विपदी बनी, द्विपदी का जो जन्म हुआ, द्विपदी जो हाँ पहले से ही थी, तो जो जो उसका जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें, उस चूंकि वहाँ भाव प्रधान था, जो हमारी ठुमरी का प्रमुख रूप प्रमुख अंग है, तो वही भाव हमारे यहाँ भी थे, जो हमारे ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर के लिए गाए बजाई जाती थी। तो ठुमरी का जन्म भी हमारा उस हवेली संगीत से हुआ, जो जिसका जो हवेली संगीत हमारा ध्रुपद का ही हमारा अंश था। अब जो ध्रुपद, जो गोपाल नायक और स्वामी हरिदास जी, इन लोगों से जो हमारा ध्रुपद की जो परंपरा आगे चली, तो ये जो परंपरा आगे चली इससे हमारी वाणियों का जन्म हुआ। तो और ये वाणियां हमारी चार वाणियां बनी, जिसमें हमारी ग्वारार वाणी, नौहार वाणी, खंडार वाणी, डागर वाणी। तो ये सबसे पहली ग्वाहार वाणी। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वाणी जिसको हम आज घराना कहते हैं, घराने के रूप में हम जानते हैं, तो वाणियां उस वक्त वही घराना शैली ही थी। और ये वाणियां हमारी चार वाणियों के रूप में विकसित हुई, और उसका प्रमुख रूप से मैं कहूंगा कि ये वाणियां, ये चारों वाणियां हमारे राजस्थान में प्रकट हुई। इनका जो जन्म राजस्थान में हुआ, गौरार वाणी का जन्म, ये इसको तानसेन से जोड़ा जाता है, 1394 जलगांव नागौर के चौहान जो राव हमीर रणथंबोर की के सेना के सामंत थे, उन्हें हाथी सरोपा आदि प्रदान कर राव चूड़ा ने अपने अपना गायक बनाया। उनके वंशज गौरहार, गौरार वंश के लोग सवाई माधोपुर बूंदी के क्षेत्र में काफी है, और जो कि जो इलाका मध्य प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ है, तो वो वहाँ के लोग गौरहार वाणी के संभाग कहलाए। और ये गौरहार वाणी वहाँ से हमारी ग्वालियर पहुँची। तो हमारे जो ग्वालियर के जो गायक थे वो ख्याल तो गाते, ख्याल भी गाते थे, द्रुपदी भी गाते थे। वहां से यही वाणी आगरा भी पहुंची। आप सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उस्ताद फैयाज खान साहब भी द्रुपदी भी गाते थे, द्रुपद हमारे भी गाते थे, चौमुखी गायकी इनकी कहलाती थी। इस तरह से नौहार वाणी, नौहार भी राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। नौहार वाणी के प्रवर्तक श्री चंद माने गए। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर इनका नाम सूरज खां हुआ। श्री चंद स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और इस तरह से हमारी नौहार वाणी हमारी प्रचलित हुई। फिर उसके बाद आई हमारी खंडार वाणी। खंडार वाणी ये भी सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर रणथंबोर दुर्ग से मध्य प्रदेश की सीमा सटे हुए 18 किलोमीटर दूर प्राचीन खंडार दुर्ग था वहाँ, जिसका प्राचीन नाम तारागढ़ था। युद्ध में खंडर हो जाने पर इसका नाम खंडार पड़ गया, खंडर। यह संबद्ध 1230 तथा 1568 के शिलालेख यहाँ उपलब्ध हैं। इसमें ग्वालियर के राजा मानसिंह तथा खंडार दुर्ग का उल्लेख है। इस शिलालेख में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख है, जो राणा सांगा तथा बाबर का समकालीन था।
खंडार के राजा सोमन सिंह, उनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। इस तरह से ये खंडार वाणी हमारी स्थापित हुई। फिर आई हमारी डागरवाणी। डागरवाणी भी राजस्थान में ही इसका जन्म हुआ और डागर हमारे जयपुर के आज भी सभी लोग जानते हैं। हाँ, जयपुर से ही उनका और भी कहीं गए तो वो सारा जयपुर। तो ये हमारी जो सभी वाणियाँ जो हमारी विकसित हुई, ये इनका जन्म स्थान राजस्थान में ही है, राजस्थान से ही माना जाता है। इस प्रकार की हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारे घराने कहाँ से पैदा हुए, तो इसमें एक बार की बात है कि यहाँ लखनऊ दरबार में जहाँ भूपत खां जो तानसेन जी के वंशज थे, उनका वो और आपके लखनऊ दरबार में वो गायक थे, तो एक बार पंडित राधा कृष्ण पंडित करताराम मलिक जो कि भूपत खां साहब के ही शिष्य थे, उनके आग्रह पर लखनऊ के दरबार में सिराजुद्दौला के दरबार में मलिक बंधुओं का ध्रुपद गायन हुआ। और जो ध्रुपद गायन होने के कारण दरभंगा महाराज वहां उपस्थित थे। ये घटना है 1785 और 1805 के मध्य की। उन्होंने उनका ध्रुपद सुना और उस ध्रुपद से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने दरभंगा आने का उनको आमंत्रण दिया। इस प्रकार से दरभंगा में आकर के, हाँ, ओरिजिनली राजस्थान से ही ये लोग थे, आकर के इनको दरभंगा में आमता गांव है, महाराज दरभंगा महाराज ने इनको वहाँ अपनी जागीरदारी दे दी, जमीन दे दी, वहाँ आकर के ये लोग बस गए। और तो वो पांच गांव के मालिक बने, तो ये मलिक वहाँ, ये इस प्रकार से इनका। हाँ, एक विशेष बात ये है कि बिहार में ही हमारे तीन घराने ध्रुपद के हुए। हाँ, अभी जो जैसा कि मैं अभी ये बताया कि दरभंगा में हमारी दो वाणियाँ, एक तो हमारी गौरहार वाणी और खंडार वाणी, ये दोनों वहाँ दरभंगा वालों ने इन्होंने अपनाई। बेतिया, बेतिया भी बिहार का एक स्थान है, वहाँ भी यही वाणी वहाँ भी पली बड़ी, जिसके आज हमारे फाल्गुनी मित्रा जी, पंडित इंद्र किशोर मिश्रा जी, पंडित विपिन बिहारी मलिक जी, ये हमारे वहाँ के उसके परंपरा के संवाहक हैं। तीसरा घराना वहाँ बना डुमराव घराना। डुमराव भी ध्रुपद का ही घराना रहा, जहाँ के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भी, उनका जन्म भी डुमराव में ही हुआ, जहाँ जो घराना आज पूरी तरह से समापन के कगार पर है, वहाँ संरक्षण नहीं मिला, लोग उतना वो नहीं मिल रहा। हाँ, दिल्ली में हमारे डुमराव के पंडित रामजी मिश्रा जी वो उसको इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। एक घराना और हुआ विष्णुपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ भी हमारा ध्रुपद हमारा पला बड़ा। इसके साथ ही साथ जो अब जो अभी जो मैं बात कर रहा था डोमरा यहाँ की डागर डागर डागरवानी की, अब ये चारों हमारी जो बानियाँ थी, जो आज वर्तमान में जिनको हम घराने के नाम से हम जानने लगे हैं, तो ये चारों बानियाँ वैसे तो सभी आलाप प्रधान शैली हैं, ध्रुपद ही स्वयं ही आलाप प्रधान शैली है। परंतु मैं एक बात ये बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जो डागरवाणी है उसमें आलाप का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, आलाप बहुत ज़्यादा की। अगर अगर एक घंटे की परफॉर्मेंस है तो वहाँ इस तरह का भी देखने को मिलता है कि
एक घंटे की के प्रदर्शन में 45 मिनट केवल आलाप हो रहा है। वहाँ सारी पारंपरिक चीज़ों को का ही गायन वादन हो रहा है, चाहे वो वीणा के रूप में या ध्रुपद के रूप में। इधर दरभंगा वालों ने उसमें थोड़ा सा इनोवेशन करने की कोशिश की, उसमें कुछ नया चिंतन कर लाने की कोशिश की। एक हमारे एक और बहुत अच्छे ध्रुपद गायक हैं वर्तमान, जो कानपुर में हैं, पंडित विनोद द्विवेदी। उन्होंने उन्होंने बड़ा चैलेंजिंग काम किया कि उन्होंने प्रकृति के ऊपर, हमारी घटनाओं के ऊपर, रामायण के ऊपर, महाभारत की घटनाओं के ऊपर, गीता के ऊपर इस प्रकार के ध्रुपदों की भी रचनाएं की, और उसको ध्रुपद को जो एक एक जिसको नीरस शैली के रूप में जाना जा रहा था, उसको उन्होंने ऐसा बनाया कि हाँ, अगर चूंकि आज तो परफॉर्मेंस ही 45 मिनट की रहेगी, उस 45 मिनट में वो उसमें आलाप भी हो जाए और उनके ध्रुपद धमार और जो छोटी चीज़ें वो भी हो जाए। तो आज हमें ध्रुपद को स्थापित करने के लिए ये भी थोड़े हमें नव प्रयोग की भी आवश्यकता है। अब बात जो आज का हमारा विषय है, सामगान संस्कृति और ध्रुपद का अंतर संबंध, तो जो अंतर संबंध है, सबसे पहला जो हमारा संबंध है वो है आध्यात्म। जो हमारा आध्यात्म साम से शुरू हुआ, जाति गायन में आया, प्रबंध गायन में आया, प्रबंध में थोड़ा सा भटकाव अवश्य हुआ, देवी देवताओं की प्रशंसाएं वो भी आईं, लेकिन फिर वही ध्रुपद के माध्यम से फिर वही ईश वंदना के लिए भी आया, और उस ईश वंदना से लेकर के हमारी जो भी शैलियां बनी, हाँ, जैसे जो ख्याल आया वहां हमारा वो श्रृंगारिक हो गया, लेकिन जो प्रबंध ध्रुपद तक जो हमारी शैली थी, उसका जो मूल उद्देश्य हमारा आध्यात्म था, जो जिस उद्देश्य को लेकर के हम साम से चले थे। तो सबसे बड़ा अंतर संबंध हमारा आध्यात्म है। आध्यात्म ने हमको जब वहां से शुरू किया और आज तक हमको उससे जोड़ के रखा, और आज भी ध्रुपद का जहां तक प्रश्न है, ध्रुपद की हमारी अधिकांश रचनाएं, 90% रचनाएं हमारी आध्यात्मिक रचनाएं। जैसे मैं आपको एक मेरा मालकों की मेरी एक रचना है जो सूलताल में, जय 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 पवन पुत्र बजरंग हनुमान, कृपा करो हम पर और जगत कल्याण, ज्ञान गुण सागर अनंत गुण निधान, ब्रज रंग पर कृपा करो महावीर हनुमान। तो ध्रुपद की जो रचनाएं हैं ज्यादातर आध्यात्मिक हैं। तो साम का अंतर संबंध स्वर से, ताल से, लय से। हाँ, अगर हमारे कहीं जो हम अलग हुए हैं, जिसको हम समेट नहीं पा रहे या जिसको हम सहेज नहीं पा रहे, वो हमारा ये है कि हम साम का गायन आज हमको सुनने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव किया है कि अगर साम का गायन, मैंने दक्षिण भारत में साम को मैंने सुना है, और जब साम का गायन होता है तो ऐसा रोमांच होता है, ऐसा कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सच वही तो संगीत है जो हमारे अंतर मन को छूता है, यही हमारा साम का और हमारा ध्रुपद का अंतर संबंध है। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है, पूरी पुरानी परंपराओं का ही हम संवहन कर रहे हैं, उन्हीं को आज सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम साम के और ध्रुपद के जो अंतर संबंध को हम बिल्कुल हम अलग नहीं कर सकते, उससे हम अलग नहीं उठ सकते, उससे हम अलग नहीं रह सकते। तो ये तो हाँ, वो पुरानी परंपरा है, हाँ उनमें हमारा
परिवर्तन अवश्य हुए हैं, उसमें विकास यात्रा उसकी निरंतर चली है, उस विकास यात्रा में उसके स्वरूप बदलते चले गए हैं। ध्रुपद के बाद में ख्याल आया, ख्याल के बाद में ठुमरी आया, तो ये हमारे शक्लें बदलती चली गईं, लेकिन साम हमारा आज भी उसी स्थिति में है, चाहे उसको हम हमारा विद्यार्थी आज का उसको समझ नहीं पा रहा, उसको सहज नहीं पा रहा, उसके उससे हम परिचित नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इस प्रकार का कोई हमको देखने को नहीं मिलता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो इस बात का भी पे भी सोचें कि हम अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं, चाहे वो शाम का, चाहे हम दो वेद मंत्र रखें, जाति का हम एक एक प्रकार रखें, एक प्रबंध का, तो कम से कम हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको हम आज के विद्यार्थियों तक तो पहुंचा पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि प्रोफेसर पंकज माला जी ने उसको इतना विशद विवेचन उनकी तरफ से हो गया कि बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है। मैं पुनः प्रोफेसर आशुतोष अंग्रेज जी, मधु जी और अन्य सभी गुणीजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं आप सबके समक्ष अपनी अपने वक्तव्य को रख सका, अपनी बात को आप तक पहुंचा सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आपने सुना इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, जो कुछ आपने बताया है वो सोने पे सुहागा है। मैडम ने एक वक्त हमारे साथ साझा किया उसका ऐतिहासिक क्रम से और वैचारिक दृष्टि से, आपने उसके इतने सारे और ठोस हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं ध्रुपद की और शाम के संबंध की, उसके लिए इतना आप लोगों का धन्यवाद करें वो कम ही है। और सचिन साथ लगते ये बात बिल्कुल अपनी परंपरा की सही लगती है कि आपने जो हमेशा ज्ञान का विस्तार करने के लिए श्रेष्ठ लोगों के शरण में जाना चाहिए, और आज मुझे ये शब्द प्रयोग करते हुए सुखद अनुभव हो रहा है कि मैं आज मैंने दोनों विद्वान लोगों की शरण में हम आए और उन्होंने अपने नाम और हम लोगों को ज्ञान की वर्षा किया, ज्ञान व्यापक और विस्तृत किया, दृष्टि हमारी को। सर सर यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ फिर से। यहाँ पर एक कबीर जी का एक दोहा मेरे माइंड में आता है जो आपने कहा, आप ही की बात को सर मैं बढ़ा रही हूँ। कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावासी देशी सुमति बताए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो ये दोहा है मुझे बिल्कुल प्रासंगिक लग रहा है कबीर जी का। बिल्कुल सही और उचित आपने ये बात कही है, बिल्कुल इस परिषद के अनुकूल आपने ये बात कही है, हमारे साथ साझी की है वाकई। तो इन्हीं सब अब यही की इच्छा और अपेक्षा आप लोगों से कि जो हम जानते हैं उससे अधिक हम जाने। और मैं बड़ी हैरान हूँ अपनी परंपरा को, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि परंपरा कोई जड़ नहीं होती, हमेशा गतिशील निरंतर चलती रहती है। जी, उसी के अनुकूल मुझे लगता है कि उस वक्त प्रश्नोपनिषद में लोग जो हैं जानने के बावजूद को जानने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो और अधिक बात न करते हुए मैं अपने प्रतिभागियों में से चाहूँगा कि श्रोताओं में से अगर कोई संक्षिप्त और सटीक टिप्पणी करना चाहते क्योंकि सुनने जो है उसका थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन यदि कोई अपनी करना चाहे तो प्रश्न रखना चाहे तो जिज्ञासा, प्रश्न और जिज्ञासा के ऊपर भी कभी बात करेंगे क्योंकि दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। संगीत में जब तक प्रश्न रहेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप विकास नहीं कर सकते। जिस दिन आपका प्रश्न जिज्ञासा में परिवर्तित होगा तो आप देखेंगे कि आपके भीतर से सारा संगीत स्वयं ही
दान के रूप में उभर आएगा, अब गायन नहीं करना पड़ेगा, वो तो दान बन जाएगा। तो यदि किसी की कोई टिप्पणी है, यदि कोई प्रश्न, तो सादर स्वागत है। निसंकोच भाव से कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास टिप्पणियाँ नहीं हैं कोई और, या कोई प्रश्न और जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल जो है उसको इकट्ठा करना, उसके लिए बुद्धि भी उतनी ही व्यापक होनी चाहिए। हाँ, एक सर, एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बड़ी हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि संगीत के विद्यार्थियों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, और हमारा जितना भी साहित्य है, संगीत का प्राचीन जो पुरातन साहित्य है, वो सारा संस्कृत में। अब जब तक उसका संस्कृत का, या जब तक वो उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, तो उससे हमारी दूरी बनी रहेगी, हम कहाँ समझ पाएंगे उसको। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम संगीत वालों को, जैसे आदरणीय डॉक्टर पंकज माला जी, उनका जो वेद अध्ययन है, उन्होंने पहले पहले संस्कृत में एमए किया, पहले उन्होंने वेद अध्ययन किया, तत्पश्चात वो संगीत माई एमए, फिर उन्होंने सितार में किया और पीएचडी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, और उसी अधिकार से वो उसी प्रकार बोल पाती हैं, यही एक बहुत बड़ी उनकी विशेषता है। तो यही स्थिति, अगर हमारे विद्यार्थियों को अगर एक सब्सिडियरी के रूप में एक पेपर बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया जाए, खैर ये ना तो मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है ये तो, लेकिन हाँ, हम अपना अपना सुझाव तो भेज सकते हैं, क्योंकि जब तक, अब मैं आपको दूसरे की नहीं कहता, मेरे पास वेद भी हैं और सारे ग्रंथ भी हैं, लेकिन संस्कृत का अध्ययन जिस प्रकार का होना चाहिए, मेरा भी नहीं हुआ। ये आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने अब इस अपनी पुरानी भाषा, ये हमारे देव भाषा, देववाणी को आपने उसको महसूस किया है। तो ये मेरी बात नहीं है, हमारे हमारे जो संगीत के अधिकांश लोगों की स्थिति ये है कि जो संगीत वाला है उसको संस्कृत नहीं आती। तो कम से कम संगीत वालों को संस्कृत, और ये जो आपने जो ड्यूल विषय जो रखा, ये इंटरडिसिप्लिनरी जो विषय रखा, इससे बहुत कुछ, अगर इस प्रकार के विषय रखे जाएंगे तो मेरे जैसे विद्यार्थियों को भी कुछ पढ़ने ढूंढने का भी प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो आदरणीय वो दीदी कह गई, तो लेकिन वो मेरी सम्माननीय है। जी, आपने तो सुहागे वाला काम किया है, और हम लोग आह्लादित बाकी। थैंक यू सर, भाषण से हम लोगों में सहृदयता की मात्रा बढ़ेगी, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। सर, इस संगोष्ठी में एक्चुअली ये वर्कशॉप भी है, और वर्कशॉप जो इसमें हमने नाम ऐड किया है वो इसलिए क्योंकि इसमें विद्यार्थीगण भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनको बिल्कुल जिस तरह से आपने समझाया है वो ध्रुपद का कंसेप्ट बिल्कुल बच्चों को क्लियर हुआ है। सर, मेरे पास मैसेज बच्चों के भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं मेरे पास मैसेजेस। और सर, आप भी साधुवाद के पात्र, हृदय से नमन है आपको, और बहुत अच्छे से आपने इसको एलिब्रेट किया सब्जेक्ट को, बहुत 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 धन्यवाद सर। मधु जी, एक एक मेरा निवेदन ये है, देखिए वर्कशॉप वर्कशॉप ये ऑनलाइन से हमारी वो बात नहीं बन सकती जब तक हमारे विद्यार्थी, हाँ, तो ये कभी ऐसा होगा तो मैं अपनी रचनाओं को विद्यार्थियों को सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो कभी किसी का वो नेटवर्क गड़बड़ है, तो कभी कुछ, तो इस तरह की वो बात नहीं बन सकती। तो हाँ, कभी अगर प्रभु की इच्छा होगी। जी बिल्कुल सर। आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं सर, आपको जी जी अनम्यूट करना पड़ेगा। सदानंद जी, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।
मुझे लगता नहीं है उनका लेफ्ट हो गया शायद सर अभी। हाँ, लेफ्ट। ओके एनीवे सर हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर मुकेश गर्ग जी भी हैं, उनके भी विचार जान लिए जाए तो बहुत। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी, अगर मुकेश गर्ग सर भी अपने विचार रखते तो सर हम गौरवान्वित महसूस करते। नहीं, हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। जी जी, आदर आमंत्रित हैं सर आप अपनी टिप्पणी करने के लिए। मुकेश जी सर, ऑनलाइन में यही थोड़ा सा अपनी सीमाएं रहती हैं, नेटवर्क इशू हो जाता है या मतलब जॉइनिंग में कई बार। चैतन्य काले जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्ते सभी लोगों को। जी नमस्कार। मैं महाराष्ट्र में जिला सोलापुर बार्शी से बोल रहा हूँ। मैं सामवेद का विद्वान हूँ, सामवेद मैंने पढ़ा है, सामवेद के बारे में जानता हूँ। तो मेरे को ये लिंक मिली तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग पहले से था कि संगीत और सामवेद का किस तरह से संबंध है। मैं 20 साल पहले यहाँ सोलापुर में डागर बंधुओं के पास भी एक बार गया था मैं और मेरे पिताजी, सामवेद के और इसके संबंधों के बारे में इससे बहुत पहले हमारी पूरी मुलाकात हुई थी। तो आज जब ये ध्रुपद और सामवेद का जब ये कॉन्फ्रेंस चल रहा ऐसा मुझे मालूम पड़ा तो मैंने ज्वाइन किया। 11 बजे से मैं सुन रहा हूँ सब, माला जी को भी मैंने सुना। मेरे को थोड़ा सा सुझाव इसमें देना है, जब अगर अगली बार आप जब भी करेंगे तब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सामवेद और ध्रुपद दोनों भी हमें अगर इसमें मिला कैसा है इस तरह के अगर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली अगर मिले, ये इंफॉर्मेशन की तरह नहीं प्रैक्टिकली गायन की तरह सामवेद और ध्रुपद इसमें सीधा संबंध कैसे होता है इस तरह से अगर हमें सुनने को मिले या इसकी जानकारी मिले तो ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव होगा, सबको भी आनंद होगा इससे। ये मेरा थोड़ा सा सुझाव था इसलिए मैंने आप। नहीं, आदरणीय चैतन्य जी मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ। देखिए जहाँ तक ध्रुपद का प्रश्न है, ध्रुपद का तो हो सकता है लेकिन साम गान का जहां तक प्रश्न है वो तो वेद पाठ ही कवि जिन्होंने साम गान का प्रशिक्षण लिया है आप जैसे विद्वान ही उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि साम गान सीखने को हमें तो मिला नहीं, सुनने को अवश्य मिला है, सुना है। दक्षिण भारत के दक्षिण जी यहाँ पर यही गड़बड़ होती है कि जो ध्रुपद गायकी जानता है वो सामवेद नहीं, सामवेद जानता है वो ध्रुपद गायकी नहीं, या संगीत वाला सामवेद वाला संगीत नहीं जानता। तो थोड़ा सा मिलाप करके कहीं ना कहीं एक थोड़ा प्रेजेंटेशन की तरह थोड़ा सा भी अगर हो जाए दोनों में। सर ये वेबिनार जो है ये इसी इसी कड़ी का प्रथम प्रयास है, इसी कड़ी का प्रथम प्रयास है। हम चाहेंगे आप हमसे ऐसे ही जुड़े और आगे ही आपके सुझाव हमारे साथ रहे और प्रैक्टिकली भी आप हमारे साथ जुड़े और हम आपके सुझावों पर भी कार्य करेंगे सर। आप अपना ये हमारा प्रथम प्रयास रहा है सर। मुझे भी आनंद होगा जुड़ने में, आनंद होगा। आप अपना फोन नंबर और मेल जो है हमारे साथ साझा कर दीजिए और हम जो है आपसे संपर्क करेंगे, आप भी हमारे साथ संपर्क करें, हम निश्चित रूप से इसको और अग्रसर करेंगे। इसका भाग दो निश्चित रूप से मैडम मधु जो है वो जल्दी ही इसको आयोजित करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय समाप्त हो गया है तो आप सभी जो है का धन्यवाद। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग का जो भी हमारे पास पावर पॉइंट है वो आपको जल्दी साझा कर देंगे और निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं लिंक के लिए और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूँ डॉक्टर मधु को कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और ये निश्चित कर दीजिए कि सभी ने अपना जो है वो लिंक कर लिया हो। अगर किसी का नहीं लिंक चल रहा है या कोई दिक्कत है तो मैडम मधु से आप संपर्क कर सकते हैं। जी सर, मैं पहले अपना व्हाट्सएप नंबर इसके इनबॉक्स में मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, चैट बॉक्स कर दीजिए और उसके बाद तो धन्यवाद ज्ञापन सभी का करें।
सर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इनबॉक्स में इसके डाल दिया है। चैतन्य जी आप मुझसे इस नंबर पर सर प्लीज कॉन्टेक्ट करिएगा। इसके साथ ही जैसा समय अब हमारा समाप्ति की ओर अपने कार्यक्रम को हमें लेकर जाना है, एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है अब जो धन्यवाद ज्ञापन है। हम तो जब से ये वेबिनार हमारा स्टार्ट हुआ है हृदय तल से बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ जितने भी विद्वजन संगीतज्ञ और विद्यार्थी जो जुड़े हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही जो हमारा ये कार्यक्रम है बहुत सफल हो पाया है। और इतनी शायद हमने अपेक्षा नहीं की थी कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और देश के कोने कोने से हमारे साथ जो है संगीत विद्वान जो है वो जुड़ेंगे। तो बार बार मैं आपको हृदय तल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका एक आशीर्वाद हमारे सिर पर रहता है कि हम किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका वरद हस्त हमारे सिर पर रहता है और बिल्कुल हमें एक स्वच्छंद वातावरण उनकी तरफ से मिला हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात। तो सर के पास तो हम जब भी जाते हैं तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं ये जो टॉपिक है वो सर के दिमाग की उपज है कि क्यों ना इसको जोड़ करके इस तरह से किया जाए। तो इससे पहले भी मैंने एक सेमिनार करवाया था वो भी सर ने ही मतलब उसके लिए हमने टॉपिक सजेस्ट किया था। सर हमेशा एक जो इनका विद्वत जो दिमाग है वो एक कार्य करता रहता है और हम उनके साथ बहुत लाभान्वित होते हैं जब भी सर के पास बैठते हैं तो कुछ नया सोचते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपकी संगीत विभाग से डॉक्टर परमजीत कौर का जो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन है उनका कॉपरेशन मेरे साथ रहता है उनके सुझाव मेरे साथ रहते हैं। संगीत विभाग से ही हेमचंद जी और प्रवीण राठी जी जो एक हम चारों लोग एक टीम की तरह कार्य करते हैं और जो कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है वो सफल होता है। जो अपने हमारे दो आज हमारे विद्वान प्रोफेसर पंकज माला और पंडित देवेंद्र वर्मा जी आप दोनों के लिए तो शायद मतलब धन्यवाद मेरे लिए छोटा शब्द होगा कि एक फोन कॉल मैंने किया और सर ने भी और मैम ने भी बिल्कुल आशीर्वाद दिया कि हाँ हम बिल्कुल इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। और आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया हमारे स्टूडेंट्स का ज्ञानवर्धन किया। आशा है सर और मैम इस तरह से ही हमें आगे भी अपने व्याख्यानों से लाभान्वित करते रहेंगे। के साथ ही मैं फिर से एक बार जो जितने भी विद्वजन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ। आशा है कि आप इस तरह से ही हमारे आयोजनों में प्रतिभागी होंगे और हमारे आयोजनों को सफल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और उसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही पूर्ण होता है और हम लोग ये शब्द जो है वो बड़े ही प्रयोग करते हैं। हम कभी भी कार्यक्रम को समाप्त नहीं करते उसको पूर्ण करते हैं। एक कड़ी पूर्ण होती है फिर ताकि अग्नि कड़ी जो है उसको फिर हम अग्रसर हों और उसको पूर्ण करें। जो है वो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है और मुझे लगता है कि इस पूर्णता को आपने जिस रूप में जिस स्थिति हमारी पूर्णता को हमने ग्रहण किया है और सफल हुए हैं और निश्चित रूप से कुछ सुझाव जैसे कि हमें उपलब्ध हुए हैं तो हम इसका द्वितीय भाग जो है वो और संगीत विभाग तो साधुवाद का पात्र है ही। मैडम परमजीत कौर अपनी अग्नि को प्रज्वलित रखें। इन्हीं शुभ शुभ कामनाओं के साथ आप सबका पुनः पुनः आभार और अब हम
इस सभा सर को फीडबैक फॉर्म मैंने एक बार फिर से मैंने भी डाल दिया है, तो 5 मिनट शायद इसको ऑन रहने दीजिए मीटिंग को, ताकि जो जो नहीं भर पाए हैं फीडबैक वो फॉर्म भर सके। जी, भर लीजिए आप लोग फॉर्म, मैं रिकॉर्डिंग बस ऑफ कर देता हूँ। जी